Hello, everybody. Nice to see you all. नमस्कार नमस्कार। yes, हम सब मिल रहे हैं आज अभी एक मिनट हमारे साथ आज देखिए कितनी मशहूर हस्तियां हैं फिल्म जगत की, और ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने अपनी आवाज से, अपने संगीत से नवाजा है संगीत जगत को भी। और इसके अलावा उन्होंने फिल्मों में तो गायन किया ही, फिल्मों के अलावा बाहर भी हमको सुनते रहे हैं, बहुत सारे एल्बम सुनते रहे हैं, बहुत सारे जो स्टेज पे प्रोग्राम हुआ करते हैं उसमें भी आपने सुना है इन तीनों ही हस्तियों को। और आज एक ऐसा दिन है जिस दिन को हम कभी नहीं भुला सकते, हम सभी संगीत प्रेमियों के लिए बड़ा ही यादगार दिन है। और आज है हम सभी के चेहरे पे गायक मोहम्मद रफी साहब का दिन, उनकी पुण्यतिथि है आज। आज ही के दिन उन्होंने इस फानी दुनिया को अलविदा कहा, आज ही की तारीख यानी 31 जुलाई को। और इस मौके पर उनको अलग अलग तरीके से लोग याद करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। कितने साल बीत गए, 40 साल हो गए, लेकिन 40 साल ऐसा लगता है जैसे कि वो तो अभी हमारे बीच थे, क्योंकि हम उनके गीत सुनते हैं, उनके गाए गाने लगभग रोज ही सुनते हैं। और जब भी उनके गाने सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि हमारे करीब हैं, हमारे बहुत पास हैं, क्योंकि उनके गाए हुए गाने हम सभी के दिल की आवाज हुआ करते हैं। तो ऐसा तो लगता ही नहीं कि 40 साल भी थे, किसी को नहीं लगता, ऐसा लगता है कि वो तो अभी अभी हमारे पास थे और अभी अभी वो हमारे पास कहीं चले गए। उन्हें याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं बस्ती म्यूजियम पर, इस शहर पर। और ये हम सभी लोगों का, हम सभी श्रोताओं का, हम सभी दर्शकों का, हम सभी संगीत प्रेमियों का सौभाग्य है कि आज इस मौके पर तीन मशहूर हस्तियां, वो हस्तियां जिन्होंने रफी साहब को करीब से देखा, हम अपने बारे में कह सकते हैं कि हमने उन्हें सुना, उन्हें देखा नहीं, उनके बारे में सुना। उनकी बहुत सारी यादें इस तरह की हैं जो उनके बारे में लोगों ने हमें बताया। आप लोगों से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने रफी साहब को देखा होगा, करीब से देखा होगा, जाते हुए देखा होगा, बात की होगी उनसे। ऐसे ही ये तीन ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने रफी साहब के साथ काम किया है और उनके साथ रहे हैं काफी समय। उषा जी वो एक तरह से मोहम्मद रफी साहब की बेटी हम कह सकते हैं, क्योंकि वो रफी साहब को अब्बा कहा करती है, अभी भी वो अब्बा कहती है, उनको पिता की तरह मानती है। और 12-13 साल की रही होंगी तब से वो रफी साहब के साथ जुड़ गई थी। सोचिए एक बचपन, बचपन के से बाद जो एक परवरिश होती है, वो परवरिश एक संगीत के रूप में और एक जो अभिभावक होता है उसके रूप में मोहम्मद रफी साहब ने की। और बहुत सारी बातें जब उषा जी से हमने की तो अक्सर हमारी बात होती रहती है रफी साहब के बारे में, बहुत सारी बातें वो बताती है कि किस तरह वो एक जैसे घर का कोई बड़ा होता है, जो एक पिता, वो किस तरह अपने बच्चों की देखभाल करता है, यहाँ जाना, यहाँ मत जाना, ये मत करना, ऐसे नहीं, ये सारी बातें उषा जी के साथ होती थी रफी साहब। आज वो है हमारे साथ, बहुत सारी बातें, बहुत सारी यादें होंगी। शारदा जी, शारदा जी को तो आपने बहुत सुना होगा, बहुत सारे गाने उनके। और एक बात और भी, ये तीनों ही हस्तियां ऐसी हैं जो अपने पहले गाने से ही मशहूर हो गई, चाहे वो उषा जी हूँ, चाहे शारदा जी हूँ, चाहे वो मौसम मस्ताना गीत के साथ दिलराज जी हूँ। और दिलराज जी के बारे में बात और बताएंगे कि वो वास्तव में एक ऐसी गायिका के रूप में मशहूर थी जो गीत गाती हैं, जो भजन गाती हैं, लेकिन शुरुआत इनकी गजलों से हुई थी। और जहाँ तक हमें पता है वो बताएंगी मैं आपको कि गजल उनके बहुत ज़्यादा करीब थी। ये अलग बात है कि वो एक गीत गाने वाली गायिका, भजन गाने वाली गायिका के रूप में मशहूर हुई। शारदा जी ने संगीत भी दिया और ये बड़े हम गर्व से कह सकते हैं, सौभाग्य की बात है उनके लिए कि उन्होंने अपने संगीत निर्देशन में मोहम्मद रफी साहब को गाने गवाए हैं। तो हम सभी का सौभाग्य है, अब हम
इन तीनों के साथ है, आप सभी के साथ है, और अब सुनते हैं वो यादें जो आज के दिन रफी साहब की यादों के साथ हमारे और आपके साथ है। तो उषा जी, हम आपसे शुरुआत करते हैं। उषा तिमोथी, नमस्कार दोस्तों, मैं उषा तिमोथी, अपनी उम्र के 7 साल की उम्र से मैं रफी साहब के साथ रही। एक नागपुर में एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें कोई फीमेल सिंगर नहीं आ पाई थी, और कल्याण जी आनंद जी नाइट थी वो, जिसमें मनादा, मुकेश जी, हेमंदा और रफी साहब आए थे, और कोई फीमेल सिंगर किसी वजह से नहीं आ पाई, तो मुझे उसमें गाने का मौका मिल गया। कल्याण जी भाई ने मेरे भाई से पूछा कि बहुत सारी की ऑडिशंस ली गई ऑल इंडिया रेडियो में, लेकिन कोई भी फिल्मी गाना नहीं गाती थी, सब गजल या भजन गा रही थी। तो मेरे भाई जो ऑल इंडिया रेडियो में जॉब करते थे, उन्होंने कहा कि कल्याण जी भाई सुबह से शाम हो गई कोई नहीं मिली, अभी मेरी एक छोटी बहन है वो गाती है फिल्मी गाने, अच्छा गाती है। तो कहा कि कल्याण जी भाई ने कहा अच्छा तो लेकर आओ उनको, कितनी बड़ी है? मुझे जी वो 7 साल की है। कल्याण जी भाई ने रिजेक्ट ही कर दिया, कहा कि नहीं नहीं ये बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन भैया माने नहीं और वो, हाँ जी, और हाँ भैया तो माने नहीं और मुझे लेकर गए शो पर, और वहां जाकर मैं छोटी बच्ची तो थी, मुझे गाने के लिए इंटरवल में पर्दा लगा हुआ था, इंटरवल में मुझे गाने का एक मौका मिल गया कि माइक लगा के चलेगा, मैंने रसिक वल्मा गाया था और सबने सुना, कहने लगे कि अरे ये तो बच्ची अच्छा गाती है, हमारे साथ गा सकती है। रवि साहब ने कुछ पूछा ये 100 साल पहले आता है क्या, वो आता है क्या, ये आता है सब इस तरह से। तो मैंने उनके साथ में गाना शुरू किया, और साहब को, मनादा, कल्याण जी भाई को बहुत मेरी आवाज पसंद आई, उन्होंने कहा बॉम्बे आ जाओ, और मैं 9-10 साल की हुई तो मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई, यहीं पर मेरा पालन पोषण होने लगा सब कुछ, और बहुत जल्दी मेरे पिता की डेथ हो गई थी, लेकिन रफी साहब ने मुझे पिता की कमी महसूस नहीं होने दी, उन्होंने मुझसे इतना प्यार किया कि हर जगह वो और मुकेश जी मुझे हर शोज में लेकर जाते थे, और इस तरह से मैं आगे बढ़ती चली गई। और एक बार कल्याण जी आनंद जी भाई ने जब मैं 13 साल की हुई तो मुझे फिल्म में मौका दे दिया, हिमालय की गोद में सुरात खड़ी थी छत पे, मैं समझा के चांद निकला, और इस गाने के वक्त में कल्याण जी भाई ने ये कहा कि देखो तुम अच्छा गाओगी तो आगे तुम्हारा गाना रहेगा, क्योंकि तुम्हारे सामने शेर है। तो उन्होंने रफी साहब को शेर कहा, तो मैंने सोचा रफी साहब शेर है क्या, बड़ी सोच में पड़ गई मैं, मुझे लग रहा छोटी तो थी मैं, तो मुझे लग रहा है एकदम शेर का चेहरा मेरे सामने आ गया, तो डर गई तो आवाज ही नहीं निकली मेरी। तो साहब मुझसे पूछने लगे अरे क्या हुआ तुमको, अभी तो शोज में तो मेरे साथ अच्छा गाती थी, साहब आप शेर हो क्या? तो बोले नहीं, किसने कहा? कल्याण जी भाई ने तो कहा, कल्याण जी भाई कह रहे कि आप तो शेर हो, तो बोले नहीं नहीं मैं तो तुम्हारा अब्बा हूँ, और उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और कहा बेटा बहुत अच्छे से गाना, हाँ देखो ये गाना अगर चल गया ना तो तुमको बहुत काम मिलेगा। मैंने कहा जी मैं कोशिश करती हूँ, और फिर आप सभी ने सुना मेरा वो गाना, तू रात खड़ी थी छत पे मैं समझा के चांद निकला, ओए सोनिए तेरे, ये थी मेरी पहली मुलाकात रफी साहब के साथ। अब जी अभी बात करेंगे आपसे और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें भी होंगी आपके साथ। ये तो आपने शुरुआती दौर और वो बताया कि पहली मुलाकात कैसे हुई आपकी और पहला जी, जी 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 और ये पहला गाना हिट हो गया, सुपर हिट हुआ है, और ये गाना जब अभी आपने गुनगुनाया तो बहुत सारे लोगों को याद आ गया। शारदा जी आपकी पहली मुलाकात कैसे हुई? नमस्ते। क्या है कि हमारा मतलब हम तो
जैसे मैंने पहले भी कहा था, कई जगहों में मेरा इंटरव्यू में आया है, और मैं ठहरान में रहती थी, वहाँ पर राज साहब आए हुए थे कुछ पिक्चर की रिलीज के सिलसिले में, उन्होंने मेरा गाना सुना एक फंक्शन में, उनको मेरी आवाज़ पसंद आई, उन्होंने कहा आप बॉम्बे में आ जाओ और हम ट्राई करेंगे, क्योंकि उन दिनों माइक्रोफोन टेस्ट हुआ करता था, वी विल टेस्ट यू इन द माइक्रोफोन एंड देन वी विल सी। मैं बॉम्बे आ गई, उनके आर के स्टूडियो में गई, वहाँ पर राज साहब मुझे, मैं सोच रही थी कि शायद राज साहब को याद हो या ना हो, लेकिन उन्होंने याद रखा और उन्होंने वॉइस टेस्ट भी लिया, और वॉइस टेस्ट में अच्छा सबको पसंद आया, क्योंकि फुल फैमिली हर्ड माई वॉइस टेस्ट, एंड देन राज साहब ने कहा कि शंकर जयकिशन के यहाँ जाना, वो दे विल यू नो डू द नीडफुल। तो फिर मैं शंकर जयकिशन के ऑफिस में गई, वहाँ पर उन्होंने मुझे नो टीचर वगैरह दिया, बड़े बड़े उस्ताद लोग जो मुकेश जी को वगैरह ट्रेनिंग दिए थे, उनको उनसे मैंने सीखा, और जब जैसा रेडी होते ही मैंने मेरा गाना रिकॉर्ड शुरू हो गया, और शुरू हो गया तो मैं भी आसमान पे उड़ने लग गई, और इतने में क्या है कि पहला गाना कौन सा था, पहला गाना आपको मतलब ये टेस्टिंग सॉन्ग किया था शंकर साहब ने, वो टेस्टिंग सॉन्ग बहुत पसंद आया, कौन पाची साहब को अराउंड द वर्ल्ड में रखो बोल रहे थे, फिर वो पता नहीं कोई वजह से रखा नहीं, फिर उसके बाद तितली उड़ी किया, और तितली उड़ी किया और दूसरा देखो मेरा दिल किया, कि फिर शंकर साहब कह रहे थे कि अभी रफी साहब के साथ तुम्हारा डुएट फिक्स हुआ, मैंने बोला मुझे एकदम शॉक लगा, मैंने बोला अभी तो मैं आई तो गाना हुआ है, माय गॉड हाउ कैन आई गो एंड देन यू नो स्टैंड नियर हिम, अभी तक मैं उनकी फैन थी, कल मैं ना उनको उनके गाने घर पे सुनती थी, रेडियो में सुनती थी, आई कैन नॉट सिंग, शंकर साहब बोले व्हाट नॉनसेंस रफी, तो रफी साहब इज अ वेरी जेम ऑफ अ पर्सन, यू विल जस्ट सिंग ऑल राइट, मतलब चलो रिहर्सल करो, तो रिहर्सल हुआ तो मैं तो एकदम धक धक करते रही, और इसके उसके बाद जब स्टूडियो में गए तो वहां पर बहुत बड़े ऑर्केस्ट्रा, शंकर जी के ऑर्केस्ट्रा तो आपको मालूम है, 100 म्यूजिशियन सब बैठे हुए हैं, रिहर्सल हो रहा है, और उसके बाद मैं सिंगर्स रूम में बैठी हूँ अकेली, मुझे तो एकदम पता नहीं जैसे रफी साहब क्या बड़े होंगे, बहुत बड़े होंगे या कैसे होंगे, मैंने सिर्फ फोटो देखा था, मैं क्या बोलेंगे, मैं कैसे उनके सामने खड़ी रहूंगी, यू नो आई वाज जस्ट जिसिंग बैठे बैठे, यू नो देन दरवाजा ओपन किया कि रफी साहब एंटर किया, जैसे आप मेरे बात को यकीन मानो ना मानो, बट आई एम टेलिंग यू The moment he entered, पता नहीं रूम के अंदर एक नया मतलब कुछ रोशनी आ गई, एक अजीब सा, I'm not making it up, but it happened to me. जैसा वो अंदर आते ही, जैसा कोई अंदर में एक बहुत बड़ा एक मतलब अच्छा एक होलिस्टिक रोशनी आ गई, और मैं तो एकदम मेरे को आई कैन नॉट एक्सप्रेस, मैं खड़े हो गई, रफी साहब इतने में शंकर जी आ गए, वो बोले कि देखो रफी साहब दिस इज द न्यू सिंगर शारदा, यू नो तो उसे बहुत खुशी हुई, बहुत इतना अच्छे से मुझे बात किया कि मुझे मेरा सारा डर एकदम दूर हो गया, एकदम मैं यू नो जैसा फ्री हो गई, जैसा फ्री बर्ड की तरह मेरा माइंड उड़ने लगा, तो फिर बतरी बोले और उसके बाद मैंने कहा कि इसके बाद रिहर्सल होगी, रिहर्सल हो रही थी, रिहर्सल के बाद मैंने कहा कि I cannot able to stand next to you and sing, क्या करूं, तो बोले बिल्कुल नहीं डरना, यू नो यू आर अंडर गुड हैंड्स, राज साहब है आपके सर के ऊपर, शंकर जय किशन है, तो यू सिंग वेरी वेल, चलो जाने चमन शुरू हुआ, तो आई डोंट नो हाउ आई सैंग शंकर साहब यार जाने चमन, जैसा उन्होंने स्टार्ट किया तो मेरा ऑटोमेटिक, मैंने बोला हु इज सिंगिंग, मैंने बोला अच्छा तो रफी साहब गा रहे थे, उनकी आवाज के पीछे पीछे मैं गा रही हूँ, तो यू नो आई डिडंट फील दैट शारदा जी ये गुमनाम का गाना आपका पहला गाना था, नहीं था तीसरा गाना, फर्स्ट सॉन्ग तो तितली उड़ी, देखो मेरा दिल ये सब हो गया, रफी साहब के साथ पहला गाना, देखिए वो पहला गाना कितना हिट हुआ था, तितली उड़ी रफी साहब के साथ पहला गाना है ना, ये गाना पहला गाना रफी साहब के साथ पहला गाना, शारदा जी को जब मिलती हूँ इस गाने की बात करती हूँ और कहती हूँ आपका ये गाना इतना बढ़िया गाया है शारदा जी ने, रफी साहब जैसे शख्सियत के साथ खड़े होके गाना बहुत प्यारा गाया, वो भी
हम लोग फरमाइश भी करते हैं, थोड़ा सा गाइए, गुनगुनाइए। रफी साहब गा रहे थे अच्छा सा, मतलब यू नो डट के साथ, जान चमन पूरा डालकर। मैं तो अभी नहीं नहीं ओ मेरे दिल ऐसा मैं गा रही थी। बहुत अच्छा गाया, इट हैज सूटेड द हीरोइन सो वेल। नंदा जी से इतनी आपकी आवाज इतनी इनोसेंट, बहुत प्यारी लगी। और कुछ नहीं चाहिए, यू नो नो नाटक, नो जैसे बनावट, कुछ नहीं चाहिए। तो फिर रफी साहब बोले, हाँ रफी साहब के पीछे पीछे मैं गा रही, बचा जाने चमन गा रहे थे हमने, ओ मेरे दिल में पीछे पीछे जा रहे। बहुत इजी करे शंकर साहब, तो हाथ से गाता कह रहे थे, आई डोंट हैव टू यू नो ट्राई एनीथिंग, उनके हाथ के पीछे मैं जा रही थी आराम से। तो फिर गाना पूरा हुआ, अरे पूरा हो गया क्या, नो यस ओके। फिर उसके बाद सुनो तो अच्छा, सुनो देखो रफी साहब बोले वाह बहुत अच्छा गाया, बहुत बोले तो बहुत यू नो प्यार दिया, बहुत ब्लेसिंग्स दिया, यू नो अदरवाइज यू सी इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल फॉर मी टू सिंग, एंड रफी साहब ने ऐसा मुझे ब्लेसिंग्स दिया, तब यू नो आई वाज एबल टू, दैट इज व्हाई टिल टुडे आई एम हिज शिष्य, आई एम पुजारी, यू नो आई ऑलवेज रिमेम्बर हिम। और उन्होंने एक दीक्षा भी दी मुझे, क्योंकि यू नो हम लोगों में गुरुकुल में ऐसा होता है, दे आर नॉट गिविंग यू ट्रेनिंग, बिकॉज ट्रेनिंग एनिमल्स को होता है, इंसान को अपना दिमाग होता है, उनको सिर्फ दीक्षा देनी पड़ती है, एक क्लू देना पड़ता है, दे क्रिएट देयर ओन टैलेंट ऑन बोर्ड बाय देमसेल्व्स एंड दे विल कम अप। उन्होंने बोला सांस लेके सुर भरो, तो वो मैं अभी तक भर रही हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को भी दे रही हूँ, और एवरीवन इज यू नो सेइंग दैट इट इज गिविंग देम एन अ बेटर रिजल्ट। मतलब ये आपके लिए बहुत बड़ी सीख हो गई कि सांस भरिए और हाँ अभी तक मैं आई एम डूइंग इट, यू नो इट इज वेरी गुड फॉर एवरीवन, यू सी आई गिव टू माय ऑल माय स्टूडेंट्स, दे ऑल लाइक इट, यू सी। जी अभी और बात करिए, और बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने बहुत सारी फरमाइशें भी की हैं, जैसे कि अभी चले जाना जरा ठहरो, याद है ना, और उषा जी की भी बहुत सारी बातें। अभी उनके साथ कोई भी रहे वो अच्छा गाएंगे ही। दिला जी हाँ, आपका भी बड़ा अच्छा साथ रहा है, और उनके साथ गाने भी गाए आपने, बड़े यादगार गाने हैं, आप भी बताइए। जी पहले तो मैं अपने सीनियर सिंगर्स को बहुत बहुत नमस्कार। जी आपने इतना अच्छा काम किया, नायर साहब के यहाँ क्या टॉप गाया आपने, मैं अभी तक उसको सुन रही हूँ ऑल द टाइम। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बढ़िया। और मैं अशोक जी आपकी आभारी हूँ कि आपने इतनी बड़ी हस्तियों के साथ मुझे बुलाया है, और मैं अपने सभी देखिए कितने बड़े दिल वाले अशोक जी मैं देख रही हूँ कि ये हस्तियाँ देखिए ऐसा होता है ना, बड़े लोगों के साथ बैठने से थोड़ा सा असर आ जाता है यार। ये इतनी खूबसूरत हस्तियाँ, अभी आज बात सुनी है मैंने शारदा जी से और उषा जी को सुन रही हूँ, तो इतना दिल इतना भर गया है, इतना इतना यानी कहना चाहिए, मेरे पास ये हिंदी का लफ्ज याद आ रहा है, रसीला, रस से भरा हुआ, इतनी स्वीटनेस एज ए पर्सन इन लोगों में है। वही चीज शारदा जी ने कभी, मैं इतनी बार उनके साथ, उनका काम भी मैंने गाया भी है, उनके साथ भी गाया है, पर शारदा जी इतनी डाउन टू अर्थ, कभी उन्होंने ये नहीं कहा ये मैंने गाना रफी साहब, ऐसे कभी नहीं। आज मैंने उनके मुझसे पहली बार सुना, मैं उनसे जब कहती हूँ मुझे आपने वो गाना कितना प्यारा गाया रफी साहब के साथ, इतना इनोसेंट, और नंदा जी पे इतना सूट हुआ है। उषा जी हैं आज जैसे ही वो मुझे बता रही हैं तो गाना मुझे याद है, मैं रात खड़ी थी छत पे कि चंद निकल मैं रात खड़ी थी छत पे नी मैं समझा के चांद निकला, बुरा हो तेरा तुझे देखकर कोठे से मेरा पैर फिसला। जी 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 जी, तो ये मुझे आज आपने अशोक जी इतना हसीन मौका दिया है, रफी साहब की 40वीं पुण्यतिथि हम मना रहे हैं, पुण्यतिथि कहती हूँ तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऐसी शख्सियत शारदा जी ने जैसे बताया है कि वो रूम में आते ही वो रूहानियत की एक मूरत, वो कुदरत के हाथ से एक फरिश्ता जमीन पे उतरा अपना काम करके,
यहाँ से हमको जी भर के गाने सुना के, एक एक नगमा एक नग देख के, और फिर अपना काम पूरा करके चले गए। और इतने हसीन सुर उन्होंने लगाए, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं, कभी नहीं कहा कि ये मैं गाना देखो मैंने ऐसा, नहीं, अल्लाह मुझसे काम ले रहा है। देखो देखो, हमें शारदा जी ने बताया ना अभी कि वो जो नैयर साहब का गाना हम जब गा रहे थे, ये मैं जब भी कोई बात होती तो ये मैं भूलती नहीं हूँ। तो कहते हैं जब गाना रिकॉर्ड हो गया, मोट है तेरे दो लाल हीरे, इन्हें खोलना तू धीरे धीरे, तो हम सुन रहे हैं तो मुझे कहते ऐसे ही बोलते थे वो धीरे, देखो देखो अल्लाह ने मेरी आवाज में कितना नूर दिया है। तो वो अपने को सुन के, वो क्या सुन रहे हैं, खुद को नहीं, वो अल्लाह को सुन रहे हैं। उनकी उनका गाना, उनका उठना बैठना सब इबादत थी, जैसा कि शारदा जी ने कहा, वरना कोई एंट्री ले, और वो कह रही है इतना डरी हुई थी मैं, लेकिन जब वो आए वो इतनी उसमें, वो जो नूर होता है उसमें इतना प्यार होता है, ऐसा ये हमारी धार्मिक पुस्तकें बताती हैं कि कुदरत एक लाइट का पुंज है, बहुत बड़ा पुंज, तो वो जो लाइट उनको भी उस प्रभु ने जो दी है, तो वो कह रही कि मेरा डर चला गया। कितना सच है ये, इससे सत्य और कुछ हो नहीं सकता। और मेरा जो एक्सपीरियंस था वो भी बिल्कुल, हम लोग जब बात कर रहे हैं तो वो एक ही लेवल पे आ रही है। इसकी मुझे बहुत खुशी है कि रफी साहब के साथ उनको देखने का मौका मिल गया, उनके साथ बैठने का मौका मिल गया। मैं तो सोचती थी इतनी बड़ी हस्ती इनके पास बैठूं कैसे, और मैं जब जी जी जी, और जब हम यहाँ आए तो हम तो एक प्रोग्राम के सिलसिले में, मैं शबी गजल जैसा आप जिक्र कर रहे थे, गजल गाने के लिए आई थी, तो वहाँ पे जो मैसेंजर होते हैं, शारदा जी जानती हैं, उषा जी जानती हैं, उस वक्त उस दौर में मैसेंजर सब म्यूजिशियंस को बताते थे आज आपका टेक यहाँ है, यहाँ रिकॉर्डिंग यहाँ है। तो उन्होंने मुझे वहाँ एक रेडियो प्रोग्राम, बहुत पॉपुलर प्रोग्राम रिकॉर्ड होता था, तो मुझे जो ऑफिसर थे, रिकॉर्डिंग ऑफिसर HMV के, उन्होंने कहा कि आपको हमारे साथ एल्बम भी करनी, फॉरन साइन मुझे किया, और आपको गाना भी है। तो वहाँ वो जगतार जी उनका नाम था, वो आए, उन्होंने कहा आपको कल एक गाना गाना है। मैंने कहा जी मैं तो लाइट गाना तो मुझे आता ही नहीं है, मैं तो ये ख्याल गाती हूँ, मुझे क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग है, और फिल्म का तो ये अलग ढंग होता है। बोले नहीं, वो फिल्म का गाना है, प्रेम धवन जी उसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं। और फिर धीरे से बोले वो गाना मोहम्मद रफी साहब के साथ है। मैंने कहा क्या, ये वही मोहम्मद रफी साहब है जिनका हम नाम सुनते हैं? कहते हैं जी हाँ, ये वही मोहम्मद रफी साहब। मैं सोच में पड़ गई कि उनको एक मन हो के, मुझे तो आता नहीं है, गाऊंगी कैसे? और फिर कहते हैं, वो कह रही है वो मोहम्मद रफी साहब, तो मैंने कहा उनको पास से देखना है, सुनना है, उनको देखेंगे मुझे अंदर इतनी एंजाइटी अंदर, तो वो भी कुछ कम नहीं थे। तो हमारे यहाँ जो शिफ्ट हुआ करती थी वो सुबह 9 से 1 या 9 से 3 होती थी, तो उन्होंने कहा कि 3 बजे शिफ्ट स्टार्ट होगी, मैं आपको 2:30 बजे लेने आ जाऊंगा। अब मुझे आता नहीं तो मैं कहूँ ये ना आए, ये ना आए, और एक तरफ मन हो ओ रफी साहब को देखूंगी, रफी साहब के साथ गाना है। वो ठीक 2:30 बजे आ गए, उन्होंने मेरे पिताजी से कहा, डैडी से कहते हैं कि इनको हम गाना ये रफी साहब के साथ रिकॉर्ड करना, आप आ जाइए। तो मेरे फादर, हम लोग लखनऊ से है ना, बहुत सॉफ्ट स्पोकन, तो कहते हैं इनको मना लो, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। और 2:30 बजे, ठीक 2:30 बजे हमें लेने आए, हम बॉम्बे फिल्म लेबोरेटरीज गए, और वहां हम जाके जब रिहर्सल चल रहा था तो रफी साहब धीरे से उन्होंने एंट्री ली, जैसे शारदा जी बता रही, उषा जी बता रही, तो आए मुस्कुराते हुए, चेहरे पे कोई शिकन नहीं, कुछ नहीं, और सब म्यूजिशियंस अपनी घड़ी में लाते थे रफी साहब के टाइमिंग से। तो रफी साहब आए तो मुझे इंट्रोड्यूस किया, था मैं देखती रह गई, ये वही रफी साहब, मेरे मन में तो लगी वही मोहम्मद रफी साहब है जिनका हम नाम सुनते हैं। फिर वहां रिहर्सल हुआ, उसके बाद हम सिंगिंग बूथ में जब मैं गई, तो वो हेडफोन होता है, तो मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी कुछ मालूम ही नहीं था, तो मैंने रफी साहब को पूछा ये क्या चीज है अंकल? कहते हैं बेटा इसको सर पे लगा के आप म्यूजिक सुनिए और उसके साथ गाइए। तो इस तरह से रफी साहब मेरे फिल्म करियर के गुरु बने, और आज तक मेरे लिए वो वही गुरु हैं। और फिल्म के गाने जब मैं याद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने एक एक ऐसी खूबसूरत अदा कहिए या एक विधा कहिए संगीत से जोड़ी, जिसको हम आज कह सकते हैं आर्ट ऑफ प्लेबैक सिंगिंग, कि स्क्रीन पर
किस तरह से गाया जाता है सिनेमा का गाना, जहां पर आप नहीं गा रहे, वो जो फिल्म का कैरेक्टर है वो गाना गा रहा है। तो रफी साहब का गाना सुन के आपको ये पता चल जाएगा कि स्क्रीन पर शम्मी कपूर जी हैं, जॉनी वॉकर साहब हैं कि महमूद हैं। तो ये विधा जो है ये रफी साहब की देन है। आप देखिए देव साहब के लिए, देवानंद साहब के लिए जब गा रहे हैं तो आपको पता चलता है कि स्क्रीन पे देव साहब हैं। शायद वो जब प्यार किसी से होता क्या गाना है, ओ जिया ओ जिया ओ जिया कुछ बोल दो, सुनिए उसको। तो इस तरीके से रफी साहब से मेरा पहला मेरा गाना उनके साथ हुआ और हम कभी 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 नहीं भूल पाएंगे। आज भी 40 साल के बाद वो वैसे ही बने हुए हैं और उनकी जो आवाज है सब तरफ फिजाओं में इतनी अंदर हवा के साथ एक हो चुकी है, कहीं भी हम बैठे वो कानों में उनकी सदा आती रहती। तो रफी साहब हमेशा हमारे साथ हैं, वो कभी नहीं गए ना कभी जाएंगे। और ऐसा भी मैं जी और लगता है आने वाले समय में चीजें डिम होती हैं, बुझती हैं, लेकिन उनका नाम और रोशन और बढ़ता जाएगा, क्योंकि ऐसी आवाज इतने ऑक्टेव में एक जैसी लगना ये तो कुछ कुदरत की देन है और कुदरत से आप कभी नहीं जीत सकते कभी नहीं। ना दिलराज वो बहुत मेहनती थे, बहुत मेहनत करते थे, बहुत बहुत। आपको पता जब हम लोग टूर पे जाते थे तो रफी साहब सोशलाइज नहीं करते थे, कहीं नहीं जाते थे, किसी के घर डिनर पे नहीं, किसी के घर लंच पे नहीं, कहीं नहीं जाते थे। और खुद तो नहीं जाते थे, मुझे भी नहीं जाने देते थे। और अच्छा है ना, अच्छा कितना बढ़िया साथ, उसके साथ भी नहीं जाना ये, बस चलो चलो रियाज करो। मैंने कहा साहब सब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, मैं देखने आऊं, मैं फिर पता नहीं कब आएंगे हम अमेरिका। तो बोले मैं तुमको तस्वीर दिखा दूंगा उसकी। तस्वीर दिखाएंगे, बोले वैसी है जैसे वो खड़ी है वैसी है हर जगह, वैसी वैसी बात है। और मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों से बिल्कुल अलग था, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी उस वक्त, तो मुझे ये पता ही नहीं था कि ये इतने महान आर्टिस्ट है, इतने महान कलाकार है। वो तो आपने कहा था कि मैंने सोचा शेर है। मुझे कुछ आइडिया नहीं थी उनके बारे में, ये पता ही नहीं था मुझे कि इतने बड़े आर्टिस्ट है। लेकिन कितने हम्बल वो पहले से ही थे। शुरू शुरू में हम लोग ट्रेन से जाते थे शो के लिए, ट्रेन से जाते थे, तो हर एक स्टेशन पर लोग उनके पीछे, हर एक स्टेशन पे कहाँ से पता चलता था इनको कि रफी साहब जा रहे हैं इस ट्रेन से, तो आ जाते थे लोग सब। लेकिन वो उनके जहीर भाई जो थे वो ट्रेन की सीटी बजाते थे खुद ही, उतर जाते आपको आपको यहाँ पर मैं अब जो क्योंकि अभी समझ आने, उस वक्त तो मैं भी मैंने अपनी तस्वीर जब जिसको भी भेजी है तो वो देखते मैं बहुत छोटी थी, मैं भी पढ़ रही थी तब, तो मुझे अब समझ में आया कि वो क्या हस्ती थी। तो न जाने कितने मैं आज उनसे बातें पूछती, और एक बहुत बड़ी मेरी लाइफ की अब इस वक्त महसूस होता है रिग्रेट कि रफी साहब के यहाँ से जहीर भाई ने मुझे कहा था कि रफी साहब ने आपको बुलाया है, आपको बाहर लेके जाना चाहते हैं। और हम आए थे लखनऊ से, बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली बैकग्राउंड है, तो बहुत डरती थी मैं, मुझे मेरे माता पिता ने कभी किसी चीज के लिए मुझे कभी मना नहीं किया था। तो आज मुझे बहुत तकलीफ होती है कि मैं क्यों नहीं गई रफी साहब के साथ, ये बहुत मुझे इस बात का बहुत दुख है। बहुत मैंने बहुत एंजॉय किया उनके साथ। जी मिसेस रफी भी रहती थी हमारे साथ में। जी जी वो बता रहे थे मुझे उनके उनके घर से बता रहे हैं कि वो अपने कमरे के ठीक पास में रखते थे और बहुत ख्याल रखते थे रफी साहब, तो मुझे तो कुछ पता नहीं था। जी 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 तो ये पूरे समय ध्यान रहता था, कमी महसूस ये किससे बात कर रही है, किससे बात कर रही है, कहां जा रही है, पूरे समय। आपने आपने कहा आपने कहा ना कि अब्बा, उन्होंने कहा मैं तुम्हारा अब्बा हूँ, अब्बा कहा ना। बिल्कुल बिल्कुल, जब कल्याण भाई ने कहा कि वो शेर आपके सामने है, तो आपने तो हिसाब से ये बात कही, तब क्या हुआ? सचमुच का शेर? तब उन्होंने मुझे कोने में लेकर गए, वो एक कॉर्नर में मीनू कतरक बाबा के जो फेमस में एक जगह कोने में जैसे एक पैसेज बना हुआ है, धीरे से मुझे हाथ पकड़ कर वहां लेकर गया। वहां ले जाकर और कहा कि
आज बहुत अच्छी तरह से गाना बेटा, ये तुम्हारा ऑडिशन है, ये तुम अच्छा गाओगे ना तो देखो कितना नाम होगा, और ये मेरा आशीर्वाद है। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और मुझे आशीर्वाद दिया और कहा, तो मैं आज तक उस स्पर्श को अशोक जी सच में मैं महसूस करती हूँ। आज आपको यकीन नहीं होगा, सुबह से मेरी आंख में कितनी दफा आंसू आ गए, क्योंकि बिल्कुल वो सीन जब मुझे जब पता चला था सुबह के 4 बजे मुझे फोन आया था घर पे कि रफी साहब नहीं रहे, आपको नहीं पता मेरा फोन गिर गया और मैं ऐसे हो गई थी, बिल्कुल घर के लोगों ने संभाला। और जिस वक्त मैं उनके घर पहुंची तो बाहर जाके देखा, जो गेट हमेशा बंद रहता था, लोग झांक नहीं सकते थे, दरबान इतना स्ट्रिक्ट था वहां पे, रफी साहब को देखना भी मुश्किल था लोगों का, लेकिन वो गेट पूरी तरह से खुला था, हजारों की तादाद में लोग खड़े थे और सबकी आंख में आंसू थे और अंदर में गई धीरे से देखा साहब का पार्थिव। 40 साल हो गया मुझे तो पता भी नहीं चल रहा है, 40 साल हो गया अभी तक, सही बात है तरह से। जी जी शारदा जी क्या कर रही हैं? 40 साल हो गया मुझे तो अभी यकीन नहीं आ रहा है अभी तक, वो हमारे पास ऐसा कल भी अभी हम देखा अभी देखा है। जी जी कितने हम्बल, कितने कुछ दिनों के बाद जैसे मैंने एंट्री की, जैसे मैंने एंट्री की वहां पे तो देखा किशोरदा उनके पाँव में सर रखकर लोग रो रहे हैं, तलत साहब बहुत मानते थे, बहुत मानते थे, और तलत साहब कह रहे थे कि आप तो मियां मुझसे छोटे हैं, मुझसे पहले आप गए कैसे, यहाँ भी मेरा हक मार दिया तुमने। और फिर मैं अंदर चली गई, वहां जा अंदर जाके देखा, चुपचाप से मैं बाहर ही खड़ी रही क्योंकि बाजी को फेस करने की हिम्मत नहीं थी मेरी, तो मैं जाके वहां पे दूर खड़ी हो गई। लेकिन बाजी ने, बाजी के आसपास सब लता जी, आशा जी, बड़े बड़े स्टार्स वार सब बैठे हुए थे और मैं जाके चुपचाप खड़ी हो गई वहां पे। मैंने कहा देखो, बाजी ने मुझे देखा और ऐसे हाथ फैला दिया और जोर से रोने लगी, कहने लगी बेटा उषा तेरे अब्बा चले गए, अब तू किसके साथ गाएगी 100 साल पहले, या आजा आजा किसके साथ गाएंगी। तो मैं भी जाके उनसे एकदम लिपट गई, इतना हम दोनों इतना रोए कि बस। फिर जब जनाजा निकला तो शारदा जी आपको बता रही, मैं अकेली औरत थी, सब आदमी लोग थे जनाजे में, लाखों लोग थे और मैं अकेली लेडी पैदल चली जा रही और बारिश में भीगी हुई, चलना नहीं हो रहा था मुझसे, बहुत पानी बरसा था, बहुत पानी वाह, और इतनी मुश्किल से मैं चल रही थी। तो अमीर भाई थे, अमीर भाई जो तबला प्लेयर अपने, तो उन्होंने मुझे कहा उषा जी आप हम में ना हमारे लोगों में औरतें नहीं जाती कब्रिस्तान नहीं जाती, तो आप, मैं बोली मैं कैसे छोड़ू, मैं कैसे छोड़ू उनको यहाँ पे, इतनी ऐसे कैसे चले जाएंगे। तो उन्होंने खास करके मुझे एक टैक्सी बुलाई और मुझे बिठाया और टैक्सी वाले को कहा कि इनको लेकर इनके घर लेकर जाओ, एड्रेस बता देगी करके ऐसे, और मैं वहां से निकल गई। और इतने इतना मतलब यू नो, कुछ दिनों के बाद मैं जब म्यूजिक डायरेक्शन स्टार्ट किया तो कुछ कुछ पिक्चर्स मैंने पहले पॉप सॉन्ग्स रिकॉर्ड किया था, कुछ 3-4 म्यूजिशियंस के साथ किया, तो मॉडर्न एकदम लोगों को बहुत अच्छा लगा, चलो कम बजट में अच्छे मॉडर्न म्यूजिक हमको मिलेगा। बहुत सारे मतलब पिक्चर प्रोड्यूसर्स आए मेरे पास, यू नो बहुत से लोगों ने मुझे साइन किया और उसके बाद कुछ पिक्चर स्टार्ट हो गया। तो फिर एक गाना उन्होंने कहा कि अब रफी साहब के साथ, रफी से लीजिए। मैंने बोला कि इतना मतलब वो बड़े पिक्चरों में गाने वाले हैं, इतने टॉप आर्टिस्ट हैं और हमारे तो कम बजट के मूवी है। तो फिर मैंने शंकर साहब से कहा कि वो ऐसा प्रोड्यूसर कह रहे हैं, तो शंकर साहब ने कहा कि वो तो जेम ऑफ मैन, यू नो ही वो बहुत एडजस्ट करेंगे आपके साथ, छोटे प्रोड्यूसरों को वो परेशान नहीं करते, तो यू जस्ट कॉल हिम। मैंने उनको टेलीफोन पे टेलीफोन किया तो बोले कि अच्छा क्या बात है। मैंने बोला, मैं डर डर के कह रही थी रफी साहब ऐसा है कि एक हमारे प्रोड्यूसर है, यू नो वी वांट यू नो आप अगर गा सके तो बड़ा अच्छा रहेगा। वो बिल्कुल अच्छा, कब रिकॉर्डिंग करना है, मैं आ जाती हूँ रिहर्सल पे। मैंने बोला कि लेकिन रफी साहब ये दिस इज अ स्मॉल बजट मूवी। तो बोला कि यू नो हु टोल्ड यू अबाउट ऑल दिस, यू नो वो बिल्कुल तुम चिंता करो, तुम जो कवर देंगे वो हमें ले लूंगा, तुम सिर्फ बताओ कभी है, कभी रिहर्सल पे आना है। अच्छा आप हमारे घर पे आएंगे? बोले क्या, बिल्कुल, क्योंकि रिहर्सल पे हमको आपके यहाँ करना है, तो बताओ।
मैंने बोला कि आई कैन नॉट बिलीव इट, व्हाट कैन आई से, व्हाट कैन आई से, डोंट से एनीथिंग, जस्ट टू टेल मी व्हेन इज द रिहर्सल. फिर अच्छा ठीक है, मैंने रिहर्सल, आप आ जाइए. अच्छा वो बोल रहे थे कि हमारे ये 15 तारीख को हमारे फिल्म सेंटर में हमारा रिकॉर्डिंग है, वो मैं 10-11 बजे वहाँ जाऊँगा, उससे पहले आई विल 9:30 को आपके पास आता हूँ. तो अच्छी बात है, ठीक है. ही केम टू माई हाउस एंड देन ही सैट देयर एंड ही डिड द रिहर्सल एंड उसके बाद वो रिकॉर्डिंग पे गए. इतने इतने मतलब हम्बल, मैंने किसी को नहीं देखा फिल्म इंडस्ट्री में. छोटे छोटे लोग कुछ एक लाइन गा दिया तो पता नहीं वो आसमान पे चला जा रहे हैं आजकल. आजकल क्या, उन दिनों में भी ऐसे चलता था. और बड़ा सा कुछ हो गया तो बस दे थिंक दे आर सो ग्रेट एंड एवरीथिंग, दे डोंट रिमेम्बर रियलाइज दैट दे वर नथिंग बिफोर यू नो बिफोर समबडी ब्रॉट देम अप. तो वो इस तरह से मैंने बोला. और उसके बाद वो मंदिर मस्जिद में, हजार हाथ में, महिला आंचल में, और क्या गरीबी हटाओ, और माँ बहन और बीवी में, अच्छा ही हुआ दिल टूट गया, ये तो स्पेशली के लिए स्पेशल सॉन्ग. और वो उनके टॉप 10 में आया और ये फिल्म नॉमिनेशन में भी आया. आप ये गाना बताइए, लोगों को याद आएगा. अच्छा ही हुआ दिल, ये मुझे याद है, याद है. अच्छा दिल टूट गया अच्छा ही किया जो तूने किया, लूंगा न कभी अब नाम वफा. अच्छा ही हुआ दिल टूट गया. जी जी जी, रफी साहब को बहुत पसंद था ये गाना. और वो बहुत मतलब बैठकर सुनकर अच्छी तरह से यू नो री रिकॉर्डिंग करके सब करके आप जाते थे. और इस तरह से यू नो मेरे प्रोड्यूसरों को उन्होंने कितना सपोर्ट किया. और छोटे बजट में जो पैसा दे, ही डिडंट ओपन, ही डिडंट आस्क हाउ मच इज दिस, एंड देन ऐसा लेकर आजकल ये लोग बताना चाहेंगे कि इतना मशहूर गाना, इतना लोकप्रिय गाना, बहुत लोगों ने सुना हुआ ये गाना. और शारदा जी ने इस गाने को, इसका म्यूजिक गाना सुना होगा लोगों ने, लेकिन ये गाना लोग नहीं जानते होंगे कि शारदा जी का बनाया हुआ है. शारदा जी आल्सो वेरी अशोक जी के लिए भी गाते थे, वो किसी के लिए भी गाए, वो ये नहीं देखते थे कि कौन है, बड़ा है, छोटा है. एक एक किस्सा याद आ रहा है मुझे, मैं अपने दर्शकों के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी, अपने सीनियर अपने सीनियर्स के साथ भी, कि मैंने एक ऐसा किस्सा हुआ कि एक म्यूजिक डायरेक्टर थे, बहुत उनके पास कुछ पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था. तो उन्होंने वही वाली बात, प्रोड्यूसर ने कहा अगर रफ़ी साहब से गवा लो. वो रफ़ी साहब के पास जाते हैं और कहते हैं कि रफ़ी साहब से मेरा गाना है, प्लीज़ गा दीजिए, आप गाएंगे तो मुझे ये फिल्म मिल जाएगी. रफ़ी साहब तो ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल दरवाजे खुले थे. तो रफ़ी साहब ने कहा अच्छा ठीक है. तो उन्होंने वो, अब वो तो ये नहीं कर सकता था कि 200-500 रुपए रख दे, लेकिन उसने जो भी इंतजाम किया रफी साहब को, उसने उन्होंने बुलाया, गाना रिकॉर्ड किया. और रफी साहब देख रहे हैं कि वो गरीब थे, कपड़े भी ठीक से थे नहीं, तो रफी साहब ने वो लिफाफा उनसे लिया और कहा बहुत बहुत शुक्रिया. जब जाने लगे तो जाते जाते कहते हैं देखिए आपने ये इतना खूबसूरत आपने धुन बनाई और आपने मुझसे गवाई, ये मेरी तरफ से ये गिफ्ट मैं आपको देना चाहता हूँ, आप ये गिफ्ट मेरी तरफ से समझिए. अब वो ये नहीं कह रहे हैं कि तुम कुछ अपने लिए कपड़े बना लेना या कुछ बिल्कुल नहीं, पता भी नहीं चलने दिया. कह रहे हैं कि ये आपने मुझे चुना ये गाना गाने के लिए. ऐसी रफी साहब की इतनी ह्यूमिलिटी जो शारदा जी बता रही है और निशा जी बता रही है. कुछ रफी साहब और किशोर जी का एक किस्सा बता रही हूँ आपको. ये किशोर जी और रफी साहब का कुछ थोड़ा से मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मैं कहूंगी, क्योंकि रफी साहब इज नॉट दैट टाइप, ही इज नॉट गोइंग टू यू नो फाइट विथ एनीबडी और एनीथिंग लाइक दैट. तो उनका कुछ मन मुटाव ऐसा हुआ था कि उस वक्त वो दोनों साथ में नहीं गा रहे, मतलब मिलते थे कुछ दिनों के लिए. तो तब एक प्रोड्यूसर है, उनको दोस्ती और प्यार करके उनका फिल्म का नाम था, उसमें ही वांटेड रफी साहब और किशोर जी बो.
तो फिर मैंने बोला कि यू यू सी के अभी इनका जरा थोड़ा से मनमुटाव चल रहा है, तो मैं क्या करूं, अच्छा अलग अलग डबिंग करना। रफी साहब से मैंने ये छुपा के नहीं रखना चाहती थी, रफी साहब से मैंने ये कहा कि ऐसा ऐसा कह रहे हैं, और आई मीन आप अपना लाइन गा के चले जाइए। तो फिर रफी साहब, मैं डर डर के कह रही थी पता नहीं क्या बोलने वाले हैं, तो बोले कि इट्स ऑल राइट, आई विल कम एंड देन सिंग। एंड देन रफी साहब अकेले आकर अपने लाइन गाकर चले गए, फिर उसके बाद किशोर जी आकर गए। तो इस तरह से यू नो इनका एक दूसरे के लिए एक रेस्पेक्ट, एक दूसरे के लिए एक मन में श्रद्धा थी कि कोई किसी के लिए ऐसा कुछ कभी ऐसा काम नहीं करेंगे, एक दूसरे को कुछ परेशानी हो या तकलीफ हो ऐसा कुछ बात नहीं करेंगे। ऐसे ग्रेट आर्टिस्ट लोगों का ऐसा ही बहुत ही महान नेचर होता है। जी और उषा जी आप बता ये रही तो हुई आप लोगों हाँ। की महानता की बात, रफी साहब महान थे ये तो सबको पता है ना, लेकिन रफी साहब शरारती थे ये पता है क्या? हम लोग जा रहे थे केरल, केरला पता है ना आपको, केरला वहां पे बहुत फैंस है रफी साहब के, हिंदी नहीं आती किसी को भी, मुश्किल से हिंदी आती है, लेकिन अच्छा साहब के सबसे ज्यादा फैन अगर इंडिया में होंगे तो वो केरल में है, और हम लोग अच्छा, बहुत अच्छा। जाते थे केरल। तो ये जी। एक बार ऐसा इंडियन एयरलाइंस का स्ट्राइक था, तो हम बैंगलोर तक के एयर इंडिया से गए, और वहां से बाजी भी थी हमारे साथ, तो हम वहां से हम लोग बाई रोड जाने लगे, बाई कार में जाते जाते। अब काफी देर लग रही है, तो हम लोग को भी मतलब जेंट्स तो कहीं भी जा सकते, लेकिन लेडीज के लिए तो प्रॉब्लम होती है ना। तो साहब ने कहा कि देखो आप लोग ऐसा करो, मैं यहाँ गाड़ी रोकता हूँ, थोड़ी दूर जंगल जैसी जगह थी, वहाँ किसी का घर, आप लोग दोनों फ्रेश हो गए। हाँ तो भाजी ने कहा हाँ बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ी देर के लिए हम रुक गए, साहब भी नीचे उतर गए, हम लोग सब उतर गए। इतने में हम जब जैसे जाने लगे तो एक आवाज आई, राफी, ओ राफी, कोई बुला रहा है, कोई बुला रहा है, यहाँ वहां देखा कोई नजर नहीं आया, अच्छा। कोई नहीं आया। तो फिर कह रहे राफी, ओ राफी, कौन, ऊपर को देख, ऊपर में एक बिल्कुल काला कलूटा था, नारियल पानी वाला, ऊपर में चढ़ा हुआ था नारियल के पेड़ पे। हाँ राफी साहब ने उसकी आवाज में बोले अच्छा, अच्छा, नीचे को उतर, नीचे को उतर। वो नीचे उतरा, नीचे उतरा तो राफी राफी कुछ साफ भी नहीं, आगे जे भी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वो राफी बहुत अच्छा गाती है तू, बहुत अच्छा गाती है। तो रफी साहब बोलते हैं अबे गाती नहीं, गाता बोल, लड़की नहीं हूँ मैं। तो हिंदी नहीं आती ना, हिंदी नहीं आती, हिंदी नहीं आती, हिंदी गाना सुनता मेरा। बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा गाती है, और नारियल पानी पिएगी, नारियल नारियल वाला था ना, नारियल पानी पिएगी। तो सब बोलते अच्छा हाँ ठीक है पीला। उसने झट से काट वाट के दिया नारियल पानी, सब पी लिए। साहब ने उसको कहा कि कितना पैसा हो गया बोल। तो बोलता नहीं राफी, आपके लिए पैसा, आपके लिए नहीं, आपको फ्री गिफ्ट, फ्री गिफ्ट दिया उसने हम लोग को नारियल पानी पिला के। तो साहब ऐसे उसके साथ ही मस्ती करे, नेक्स्ट टाइम मिलेगा तो हिंदी अच्छे से बोलना, गाती चलती मत। और फिर उसके साथ जहीर भाई को कहा कि एक फोटो निकाल दे इसके साथ में, इसको बेचारे को फोटो। तो वो जल्दी आता था ना पहले, ऐसे तुरंत फोटो, जी हाँ जी हाँ, तो वो निकाल के उसको दिया बेचारे को। और शरारती बहुत थे, ईद के दिन अमीर भाई बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शर्ट पहन के आए, एकदम यहाँ तक कि मतलब हेल्दी थे बहुत, वो अच्छे थे, अच्छी बिल्टअप अच्छी थी उनकी, वो पहन के ब्लैक एकदम, उसमें से पूरा ही बदन दिख रहा। तो साहब को आके बोलते साहब कैसे लग रहा हूँ मैं, कैसा लग रहा हूँ, अरे वाह मियाँ बहुत अच्छा लग रहा है, वाह अच्छा लग रहा है, मैचिंग पैंट नहीं मिली। मैचिंग पैंट भी मुझे अच्छा लगता था। अरे स्टेज में, स्टेज के अंदर वो कितना मतलब कितना ये करते थे, कितना मतलब शरारती करते थे स्टेज के अंदर गाना गाते हुए। मैंने बोला कि अरे मैं भूल ना जाऊं अपना गाना, तो बीच में बतकमा ये करते करते ऐसा ऐसा मतलब
काफी शरारती। कौन सा गाना शारदा जी, कौन सा गाना था? वही बदकमा वाला ना, बदकमा में एकड़ा पतोरा एकड़ा कटोरा। अच्छा बाद में मुझे से धीरे से पूछने क्या मतलब है एकड़ा पतोरा क्या मतलब है। फिर सब बोलते हैं ऐसे मजाक करते थे काफी, और जब मजाक करते थे और भी उनका मतलब एकदम और अच्छा मतलब उनकी फीलिंग हम लोगों के दिल में आता था। जी अब और ये भी जो बाजी ने कहा, हाँ बाजी, बाजी मिसेस रफी ने, अच्छा बोलो, मिसेस रफी ने कहा साहब को, साहब प्लीज वो गाना गाइए ना तेरी प्यारी प्यारी सूरत, वो गाना गाइए ना प्लीज। तो साहब ने हाँ किया, पर ध्यान कहीं था पता नहीं, पूरा शो खत्म हो गया, तेरी प्यारी प्यारी सूरत नहीं गाया। जी जी बाजी को बड़ा गुस्सा आया, देखा बीवी की तो कोई कदर ही नहीं है, बीवी की तो कोई कदर नहीं। ये क्या हुआ बाजी, क्या हुआ? ठीक है ना, देखो मैंने कब से कहा था, शो के पहले कहा मैंने कि वो गाना जरूर गा दीजिए मेरे लिए, तो फिर भी नहीं गाया। क्या घर की मुर्गी दाल बराबर, और पता नहीं क्या 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 कहने लगी, बहुत नाराज होके बैठी थी, एकदम गुस्से में बैठी थी। हाँ मैंने धीरे से जाके साहब को कहा आज घर में तूफान आने वाला है। क्यों क्या हुआ? क्यों क्या हुआ? मैंने कहा बाजी बहुत नाराज है, आपने उनका गाना नहीं गाया ना तेरी प्यारी प्यारी सूरत। अरे हाँ हाँ हाँ, अरे मैं तो भूल ही गया ऐसे ऐसे। तो मेरे आप क्या करेंगे, घर में तो होगा झगड़ा हो जाएगा आज तो बराबर। तो कहते हाँ, कहते नहीं नहीं नहीं, देखो देखो मुझे बात साथ में लेकर गए, और जाके उनका चेहरा उठा के ऐसा सामने उठा के तेरी प्यारी प्यारी सबके सामने। तो बाजी दिखती शर्मा गई, पूछे मत क्या करते हो जी। बोले ये गाना तो सिर्फ तुम्हारे लिए है। ऐसी बातें सारी बहुत याद आती है, बहुत। और सभी म्यूजिक डायरेक्टर्स ने उनको इतना मिस किया है। आप देखिए जब जो गाने जो वो गाया करते थे जिन जिन म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ, जब नहीं रहे वो फिजिकल फॉर्म में, तो उन नैयर साहब का कमेंट तो मुझे पता है, वो कहते थे अगर मोहम्मद रफी नहीं होते तो फिर नैयर भी ना होता। और शंकर जयकिशन जी के इतने खूबसूरत गाने जो रफी साहब ने गाए हैं, कौन गाता और कैसे, मतलब आप सोच नहीं सकते कि वो गाने कोई और गा भी सकता है। मैं सोच रही थी, मैंने उस दिन दी अदर डे मैं शारदा जी के साथ एक गाना कर रही थी, रिकॉर्ड कर रही थी, तो मैंने शारदा जी से कहा, मैंने कहा आपके जो गाने आपने गाए हैं जैसे ये जाने चमन मैंने सुना, मैंने कहा मैं सोच ही नहीं सकती कि कोई और इस गाने को गाएगा तो वो कैसा लगेगा। इतनी यानी इतनी खूबसूरती से हमारे जो ये कलाकार हैं इन लोगों ने काम किया, और इतने प्यार से, इतने हम्बल, इतने सिंपल। और मैं सोच रही थी कि हम गाना सुनते हैं और जल्दी से उसकी धुन की तरफ ध्यान जाता है कि उसकी कॉपी धुन की करके और वही लफ्ज इस्तेमाल करके उसकी वही ट्यून उतार के गाने लगते हैं, लेकिन यू हैव टू गो अंडर द स्किन। अंडर द स्किन इज कि वो जो शख्सियत है वो क्या है, जब तक उसकी वो रूहानियत को भी अपने अंदर लेकर किसी तरह से लाएं तो सुर जो है वो कायम हो जाए, अपनी जगह पकड़ लें, वो नहीं पकड़ सकती क्योंकि रूहानियत एक चीज है, गाना एक चीज है। जी पता दिल रहा, एक गाना रफी साहब ने मैंने गाया था, छोटी फिल्म थी विद्यार्थी, बाबू सिंह जी जो थे ना हारमोनियम प्लेयर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कंपोज कर, बहुत अच्छे कंपोजर थे वो, उनके साथ मैंने एक फिल्म में गाना गाया। अब उसमें क्या था कि मेरा पार्ट बहुत ज्यादा था और साहब का कम था, तो मुझे कुछ जच नहीं रही थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने धीरे से मैंने बाबू सिंह जी को कहा बाबू जी आप ना साहब का पार्ट बढ़ा दीजिए ना, अच्छा नहीं लगता है, मेरे अलग ज्यादा है, मेरे ही लाइन ज्यादा है और साहब का बहुत थोड़ा। तो बाबू सिंह जी बोलने लगे कि देखता हूँ मैं प्रोड्यूसर से बात करके, लेकिन जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा नहीं वो लड़की जो है वो ढूंढ रही है अपने लवर को, ढूंढ रही है और वो दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ मिले, इसीलिए वो आलाप इतना लंबा है तुम्हारा। और बाद में साहब की आवाज आती, ओ नैन से नैन मिला चैन चुराया तुमने, छीन कर मुझसे मुझे अपना बना
ये गाना था वो, और रफी साहब के पार्ट उसमें बहुत कम था, लड़की का ही ज्यादा था। तो मैंने कहा साहब आप बढ़ा थोड़ा सा बोलिए, तो बोलते नहीं नहीं ऐसा नहीं करते कभी भी, जितना पार्ट है ना उतना ही होना चाहिए। मैंने सोचा कि इतने बड़े आर्टिस्ट और इतने हम्बल, यानी कि मुझे तो सच्ची शर्म लगी कि मैंने कहा कि अरे साहब आप इतना कम गा रहे हैं, दो तीन लाइन है और मेरा ही ज्यादा गाना है, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। बोले ऐसा सिचुएशन है फिल्म की, हम थोड़ा ना गा रहे हैं, वो तो एक्टर लोग गा रहे हैं ये। और जब हम स्टेज पर जब शो करते थे तो मुझे कहते थे स्टेज के नीचे मैं तुम्हारा अब्बा, लेकिन स्टेज के ऊपर मैं तुम्हारा हीरो। अच्छा देखो हाँ, वहां पे ऐसा गाना कि लोगों ने हमें शम्मी कपूर और आशा पारेख को देखना चाहिए, और मैं जरा से अच्छी भी थी दिखने में, तो मुझे कहते तुम तो बिल्कुल आशा पारेख भी लग रही हो। मैंने कहा नहीं सर आप भी लग रहे शम्मी कपूर, सिर्फ बाल नहीं है। क्या बात है, क्या बात जी जी जी। वो तो आपकी रिकॉर्डिंग मैंने देखी है जिसमें आपने वो गा रहे हैं 100 साल पहले, कम से कम कुछ तो रिकॉर्डिंग देखने को। और उनके मैंने कई गाने देखे जैसे वो गा रहे हैं वो दीवाना मुझसा नहीं संबर के नीचे, आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे, और वो नोटबुक जैसे पकड़ के गाते थे और वैसे ही गा रहे हैं, कुछ उनका चेहरा बिल्कुल स्माइलिंग, कोई इधर कुछ नहीं, आप सीधा सीधा बिल्कुल, और आवाज में वो जो एक्टिंग है वो वैसे ही बरकरार। शारदा जी को पता है जब हम लोग शंकर जय किशन नाइट में भी गाते थे 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, तो वो इतनी देर तक मेरा मुंह देखते थे मुझे तुमसे प्यार, जब तक कि मैं तब तक मुझे दिखते हैं मुझे तुमसे प्यार था। शंकर जी कहते हैं उषा का मुंह देख कितना लाल हो गया। बहुत मजे किए हम लोगों ने, बहुत शारदा जी का भी मैंने देखा कभी पहले ना, जब हम लोग छोटे छोटे थे पढ़ रही थी मैं, तो वो कोई ये नहीं मालूम है, लेकिन वो आता था फिल्म के पहले दिखाते थे फिल्म फेयर नाइट, अमीन साहब बोलते थे मुझे अभी तक याद है, शारदा जी वेरी वेरी नाइसली ड्रेस्ड एंड शी वाज सिंगिंग और कुछ गाना गा रही है बड़े मजे से, वो देखा रफी साहब भी है वहां पे, वो शंकर जय किशन ऑर्केस्ट्रा, अरे क्या इतना मजा आता है। काली साड़ी में शारदा जी क्या लगती थी, बहुत मैंने तो देखा वो उस जमाने में वो लुंगी और शर्ट टॉप चला था, तो शारदा जी को मैंने वो ब्राउन लुंगी और टॉप में मैंने देखा था। अच्छी जो फिल्म नहीं चलता है ना उसमें ये शो डालते थे, तो वो फिल्म फिर हिट हो गई, जो फिल्म मतलब अच्छा। इतना हिट नहीं था या ना जरा डाउन हो रहा था, तो उसमें चलो ये फिल्म फिर नाइट लगाते हैं तो फिल्म हिट होने लगी। वो शारदा जी प्लीज वो गाना सुनाइए ना प्लीज, वो गाना जो आपने ब्राउन लुंगी पहन के गाते, वही बच्चा माना वो यंग नहीं है, अरे चिन्नम 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 इकड़ा ओ इकड़ा बोल कर वो माइक्रोफोन छोड़कर आ जाते थे, वो खड़ा होकर माइक्रोफोन के परिक्रमा करने लग गए, तो उसके बाद महमूद भी है ना वो भी एकदम चिल्लाने लग गया, तो एकदम पब्लिक एकदम नाच करने लगे, स्टेज ऑडियंस खुद नाचने लगे, ऑडियंस सारे उठकर नाचने लगे। क्या क्या टाइम देखा है आप लोगों ने, वाह वाह, दोनों तरफ से जैसे किंग दोनों किंग्स यू नो ऐसे ऐसे कंडक्ट कर रहे हैं, ऑडियंस पूरा उठकर मतलब यू नो दे आर डांसिंग इन फॉर बदकम्मा, टॉप सेलिंग में आया था ना बदकम्मा सॉन्ग। जी जी जी, अशोक जी कुछ तो बोलिए, हमने तो बताया ना शुरुआत में कि रवि साहब के बारे में हमने तो सुना, लेकिन आप लोगों ने उनको देखा, देखे कितनी अच्छी सी बात है आप लोगों से, ये समझ में नहीं आ रहा है हमने सचमुच देखा क्या, और यू नो सचमुच आई कैन नॉट टुडे बैक नो आई कैन नॉट बिलीव दैट आई वर्क विद दिस पीपल, शंकर जी किशन है या रफी साहब है या मुकेश जी है, ऐसे लोगों के साथ मैं खड़ी रही थी क्या,
वॉज इट मी ओनली, मैं हूँ या पता नहीं कोई और है. नाउ आई के नॉट बिलीव आई हैव यू नो वर्क विद देम. इतना ग्रेट लोगों के साथ यू नो अभी यकीन नहीं आ रहा है कि मैं ये. खाने पीने का बहुत शौक था ऊषा जी. जी पता नहीं, खाने का बहुत शौक था. बताइए कुछ याद हुआ. बहुत ज्यादा जी जी. खाने के बारे में तो क्या बताऊं. तभी हम शारदा जी को याद होगा, वो रायपुर साइड में हम लोग जा रहे थे, लली राजरा शंकर जय किशन नाइट जी, है ना. तो सबके हाँ नागपुर तक हम लोग फ्लाइट से गए थे और जाते जाते नागपुर से हम लोग बाई रोड गए. तो मैं रफी साहब और मेरे हस्बैंड हम तीनों एक गाड़ी में बैठे थे, बाकी ये लोग अलग अलग कार में जाते. हमारी कार जाते जाते वहां पंक्चर हो गई रास्ते में. सुबह सुबह का टाइम था. तो ड्राइवर ने कहा कि मैं आपका ये पंक्चर ये चटनी लगाता हूँ, तब तक आप यहाँ कहीं बैठ जाइए. हम लोग एक छोटी सी पुलिया पे बैठ गए. सामने से खोमचे वाला आ रहा था, चना जोर गरम पता है आपको ना? वो चने को ऐसा कुछ के बनाते हैं. हाँ, कट अच्छा. हाँ वो अच्छा, वो सामने से वो खूब मसाले डाल के उसमें. जी हाँ हाँ, नींबू तो वो डाल गया. तो मेरे हस्बैंड ने वो लिप खरीद लिया, एक रुपए का ले लिया, बोले टाइम पास करके खाएंगे. रफी साहब ने कहा क्या मियाँ क्या खा रहे हो? अरे बोले साहब ये चना जोर गरम है, मैं ले लिया. तो मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि आपको शाम को गाना है ना, गाना उषा को भी नहीं दे रहा हूँ ऐसे. वो बोले नहीं नहीं मैं तो खा सकता हूँ. अच्छा आज बात क्या थी, रफी साहब के पास पैसे नहीं होते थे. कभी भी उनके पॉकेट में पैसे नहीं रहते थे. हाँ जहीर भाई रखते थे सब कुछ. हाँ उनके पास कुछ नहीं था. तो मेरे हस्बैंड को कहने लगे कि नहीं आप ले रहे हो तो मुझे भी एक रुपए का मुझे भी लेकर दे दो. तो आपका गला कहीं खराब नहीं हो जाए, शाम को खराब नहीं हो जाए तो मुझे डर लग रहा है. नहीं 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 कुछ नहीं होता भैया, जरा बना दो. चना जोर गरम उसने बना दिया और साहब ने खाया. अरे वाह बहुत अच्छा बनाया करके. ऐसे थोड़ा नींबू निचोड़ना उसमें. नींबू भी निचोड़ बोला उसको. और फिर खाने लगे तो वो चना जोर गरम वाला जो था वो बहुत गौर से देख रहा था उनकी तरफ और बड़ी देर तक देख रहा. तो हाँ तो मेरे हस्बैंड ने कहा अरे क्या देख रहे हो, ये मोहम्मद रफी साहब है. अरे तो वाह मेरे पास तो कैमरा भी नहीं है, मैं किसको बताऊंगा कि रफी साहब ने मेरे घर में चना जोर गरम खाया. वो इतना परेशान हो गया. उनका रफी साहब मैं तो आपका बहुत दीवाना हूँ, मैं तो हमेशा ट्रांजिस्टर, देखो मेरे पास अभी भी ट्रांजिस्टर है. उसे ट्रांजिस्टर दिखाया कि मैं ये ले लेकर घूमता हूँ, आपके गाने सुनता हूँ ऐसे ऐसे. तो साहब ने कहा अच्छा करके. और क्या नहीं साहब ने कहा कि अच्छा अभी कितना पैसा हुआ बता दो ऐसे ऐसे. तो नहीं आपसे मैं पैसा कैसे ले सकता हूँ, बेचारे ने फ्री में चना जोर गरम दे दिया. ऐसे थे साहब, चना जोर गरम भी बहुत टेस्ट लेके खाए थे. ऐसे साहब के खाने का मतलब ये हाल था, हर चीज खाते थे, हर चीज. साउथ इंडियन इडली वड़ा वो भी पसंद, बिरयानी भी पसंद, चना जोर गरम भी पसंद, सब कुछ. और उनकी अभी अभी मैंने किस्से सुने हैं कि जो कुछ जो लोग हैं उन्होंने बताया, जो उनके बहुत करीबी हैं जानने वाले, कुछ फंक्शंस उनके लिए मेमोरियल्स बनाए, जैसे क्लब नॉस्टैल्जिया में वेंकट जी हैं. हाँ. उन्होंने ये किस्सा बताया. हाँ, कि हाँ, कैसे रफी साहब ने कहा कि मैं तुम्हारे घर पे आऊंगा, और वो बिलीव ही ना करें कि रफी साहब मेरे घर पे आएंगे. तो उन्होंने घर में जाके जब कहते मेरी 300 रुपए की उस वक्त मेरी पगार थी, तो 300 रुपए में मैं लास्ट का टाइम मंथ चल रहा था तो मेरे पास पैसे नहीं थे. मैंने अपने ब्रदर से कहा कि मुझे पैसे चाहिए, रफी साहब घर पे आने वाले हैं. उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, किसको बेवकूफ बना रहे हो, मतलब कि पैसे मांगने का ये तुम्हारा एक ढंग है. लेकिन उन्होंने जब कहा तो उनको लगा इतना ये पागल हुआ जा रहा है. तो उसको कहा अच्छा ठीक है ये 200 रुपए रख लो. उन्होंने कहा मुझे टिकट लेनी, रफी साहब का शो जाना है. जब हुआ कहते मैं कितनी मुश्किल से मैं विंग्स में गया और रफी साहब को मिला और उनसे कहा कि ये तो रफी साहब उनको कहते हैं अच्छा तुमको तुम्हारे तुमको मैं ऑटोग्राफ नहीं दूंगा. उन्होंने कहा जी जी साहब क्यों? कहते मामा पहले तुम मुझे वड़ा वो खिलाओ, जो उनके यहाँ इडली वो डोसा वगैरह जो साउथ इंडियन डिशेज है वो खिलाओ, तब तुमको ऑटोग्राफ मिलेगा.
तो वो कहते हैं जी अच्छा मैं जरूर खिला दूंगा। तो रफी साहब कहते हैं मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। वो तो हैरान। अब वो कहते हैं सुबह मुझे लेने आ जाना। और वो कहते हैं मेरे पास तो कुछ गाड़ी वगैरह भी नहीं थी और मैं घर पे गया और मैंने अपनी वाइफ से कहा क्या करें रफी साहब आने वाले। उनको लगा ये तो आदमी शो देख के पागल हो गया है। तो उन्होंने फिर पैसे मांगे अपने भाई साहब से। वो कहते हैं कि तुम्हारा तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो। कहते नहीं नहीं मैं तो रफी साहब आ रहे हैं सुबह। कैसे भी करके उन्होंने उनकी माँ थी शायद उनसे अभी मैं बोल रही हूँ उन्होंने किस्सा पूरा बताया। कैसे भी पैसे का इंतजाम किया और सुबह सुबह होटल 8 बजे जब पहुंचे तो देखा कि रफी साहब तैयार बिल्कुल वेट कर रहे हैं। ये तो यकीन नहीं कर पाया कि रफी साहब सच में मेरे घर आएंगे। अब वो घर लेके रफी साहब को बोले कि रफी साहब कहते कैसे जाना है। कहते जी टैक्सी लूंगा। कहते अच्छा ठीक है। वो टैक्सी में बैठे उनके साथ और उनके घर गए। जब दरवाजा खटखटाया तो उन्होंने उनकी वाइफ आई तो देखकर रफी साहब खड़े सामने चीख के गिरी पड़ी। उन्होंने कहा रफी साहब आ गए। उन्होंने कहा खिलाओ मुझे जल्दी। तो उन्होंने जाके फिर वो डोसा वगैरह फटाफट बना के उनको खिलाया। जब खा के अच्छी तरह खा लिया कहते हैं अच्छा मुझे छोड़ देना मुझे मेरे होटल वापस छोड़ना लेकिन ये बताओ तुमको गाना भी सुनना होगा। देखिए आप जरा उस शख्स मतलब रफी साहब जैसे बिल्कुल एक खुदा घर में आया हो ईश्वर का रूप। तो कहते गाना भी सुनना होगा। तो कहते मैं उस जमाने में तो हमारे पास कुछ था नहीं ना मोबाइल ना कुछ। तो रफी साहब ने उनको गाना भी सुनाया पूरा। उसके बाद वो उनको लेके होटल वापस छोड़ने के लिए। मतलब इस तरह के बहुत किस्से जहाँ किसी के घर में यूं ही उठ के वो चले जाएंगे और अपने प्यार से मिलके आएंगे और रह वहाँ घर पे भी जाएंगे खाना खा के आएंगे। इस तरह दिलराज मैं इस बात के लिए रोक रही हूँ आपको। जी जरूर मैं इस बात के लिए आपको रोक रही हूँ। बहुत से किस्से लोगों ने मनगढ़ंत बना लिए हैं। आपको मैं बताऊँ बहुत से ऐसे किस्से हैं जो सच सच नहीं है वो सब मनगढ़ंत है। बहुत सी बातें क्योंकि मैं तो आपको बचपन से जानती थी तो बहुत सी ऐसी बातें। किसी ने क्या कहा एक बार कि फेमस स्टूडियो में फेमस महालक्ष्मी फेमस नहीं मीनू बाबा का तारदेव फेमस तारदेव हाँ कि तारदेव फेमस में रफी साहब लिफ्ट से उतरे लिफ्टमैन ने उनको कहा कि साहब कुछ बुकानों में कहा तो साहब ने उसको लौटते वक्त में उसके हाथ में लिफाफा ठहरा दिया लिफ्ट से फिर उतरे। अब ये कहा अब बताइए आप आर्टिस्ट लोग सब है यही फेमस स्टार दे हो तो उसमें दूसरा मंगल भी नहीं है तो लिफ्ट कहाँ से आई। तो वो कंफ्यूज हो गया होगा उषा जी फिल्म सेंटर होगा शायद फिल्म सेंटर हो सकता है। नहीं नहीं कभी कभी गलती होती है फेमस स्टार दे हाँ होती लेकिन अच्छा, ऐसा नहीं था। बहुत से लोगों ने तो लिफ्ट का सवाल ही नहीं साहब के बारे में मनगढ़ंत जो बातें आपने कही कहानियां बना ली बहुत मनगढ़ंत की बातें बहुत थी। और अब ये तो मैंने उनसे अभी सुना हाल में ही कभी जी 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 वही तो उन्होंने उनके लिए मेमोरियल वगैरह बनाया बहुत बड़ा ऐसे बहुत जी पता मुझे पता है मुझे पता है ऐसे बहुत से लोग हैं लेकिन जो कुछ चीजें तो मुझे उनके जो बेटी हैं परवेज जी ने खुद बताई है बहुत सी चीजें कि रफी साहब घर में भी इतने सिंपल बहुत सिंपल अपने सब काम खुद करते थे वो नेचुरली ऐसे उतारते हाँ जी जी सही बात है। यानी वो ठीक है कि गाना गा रहे हैं उसके बाद वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई भी आम इंसान होता है लेकिन रफी साहब का जो जगह उनको मिली और जिस तरह का उन्होंने गाना गाया जिस तरह से गा गए हैं वो मतलब वो कोई कोशिश करे क्योंकि हमारे यहाँ जो संगीत में जब कोई हम गाते हैं तो हम लोग ये कहते हैं उसने वो ये गाते गाते इस लफ्ज को ऐसे अदा किया या इस तरह की गायकी का उसको गाया बात को कहा तो उनकी ऐसे थी कि जैसे उनकी नेचुरली उनकी गायकी में वो चीजें शामिल खुद ब खुद होती थी। उनको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता था एफर्टलेस। आप देखिए अक्सर बोलो हाँ, अच्छा वो पहले उनकी प्लानिंग चल जाएगी लेकिन गहराई से और कई बार तो लफ्जों की जो उनकी अदायगी
उनकी मैंने गोल्डी साहब से पूछा, खास विजयनंद जी से मैंने पूछा, मैंने कहा आप ये क्या जाके बता के आते हैं, क्योंकि वो जो एक सिचुएशन थी फिल्म काला पानी में, तो उन्होंने उसमें अलाप लिया है शुरू में छोटे, कई बार रफी साहब ने बहुत छोटे, देव साहब ने मुझे खुद बताया वो गाना जो है दिन ढल जाए तेरी याद सताए, तो ये किस तरह से गाना क्या था, पहले क्या होने वाला था, उसके बाद उसका, क्योंकि देव साहब बता रहे हैं तो वो सही होगा, वो गलत कैसे हो सकता है, और क्योंकि हाँ जी हाँ मुझे क्योंकि मैं थी उस रिकॉर्डिंग पे, बर्मन दादा की रिकॉर्डिंग पे ना, हाँ मैं खुद भी थी, मुझे तो आपके साथ अक्सर मैं जाया करती थी, तो वो गाना था वो दिन ढल जाए, तो वो 20-25 टेक हो चुके थे ऑलरेडी, तो बर्मन दादा भी खुश थे कि बहुत अच्छा गाया आप, हाँ बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा, पर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, तो उसमें वो लाइन थी, ऐसे में दिल को कौन मनाए, कौन जो है पहले सीधा गा रहे थे वो, ऐसे में दिल को कौन मनाए, फिर ऐसे में दिल को कौन, ये जो कौन पे उन्होंने जोर दिया, तो बर्मन दादा तो एकदम से लिपट गए, बोलते बहुत अच्छा तुमने, जो बात ये होती है, सारी बातें जी, मैं ये अर्ज करना चाहूंगी कि जो रफी साहब के साथ एक सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट मुझे लगता है, जैसे तलत साहब का भी, लखनऊ के थे तलत साहब, तो जो तलफ्फुज़ है, क्योंकि वो लैंग्वेज उनकी है खुद की, तो जब आप अपनी भाषा में गा रहे होते हैं तो उस वक्त आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए जो लेटर्स आते हैं, कोई भी जो लफ्ज बनता है, चाहे वो दो लेटर्स का बने, दो अक्षरों का या तीन अक्षरों का, तो वो जो तीन अक्षर मिलके बन रहे हैं उनकी साउंड क्या है, तो ये कुछ चीजें उनके अंदर नेचुरली थी, कुदरतन हमारे जी, क्योंकि वो उनकी उनकी भाषा है, तो उनको मालूम है मुझे कहाँ कॉमा कहाँ देना, पंक्चुएशन कहाँ उसको, हाँ वो लिबर्टी वो फिर वो भी, हाँ इस पे गाना है, कई बार लव जी जी और लव आप में साथ कर लेते थे, ये जो बातें देखिए सभी इन चीजों को ख्याल करते हैं, लेकिन ये जो बारीकी है कि कोई, अब जैसे नय्यर साहब के म्यूजिक में आप देखेंगे कि इतने रिदमिक हैं जो उनके जो लव्ज होते थे उसमें, उसमें पहले ही रिदम है उनके गाने में, तो वो कई बार आपको वो जो गाने की कॉम्पोजिशन है वो खुद ही लीड कर रही है, मुझे ऐसे गाओ, मैंने ऐसा फील किया, तो ये सब बारीकियां जो हैं ये रफी साहब के साथ ऐसे है कि जैसे ऐसे गाना उनका स्मूथ चलता था, और उसमें जो हमारे यहाँ जो लफ्ज यूज किया जाता है वो है हरकत, हरकत ये होती, जैसे अब आपने कहा कोई बात कही किसी खास अंदाज से कही, तो हमारे यहाँ ज्यादातर आप देखिए गजल में भी लोग कुछ अंदाज लेकर फिर देखते हैं कि देखो मतलब ये जगह हमने कही, लेकिन रफी साहब के गाने में वो फ्लॉलेस वो हो रहा है, खुद हो रहा है, जैसे झरना पानी का बह रहा है, उसका एक रिदम है, उसकी एक आवाज है, जो आप आसमान की तरफ देखिए तो गैलेक्सी आपको दिखाई दे रही है, तो ये जो एक नेचुरल ऑटोमेटिक उनके, हाँ जी जी उनके वो गाने के अंदर महसूस की होगी, क्योंकि बहुत उनके तो कितने गाने हैं, मेरे तो 5-6-7-8-10 गाने, कुछ गाने मिल नहीं रहे हैं, स्कूल टेप्स में पड़े हुए हैं उनके, और सुमन कल्याण के साथ दिलीप साहब का मूवी था, दिलीप साहब खुद आए थे, उनको इतना अच्छा लगा के बस अभी वो गाना मिल नहीं रहा है, मैं ढूंढ रही हूँ। खैर, और मैं आपको आप ही के शो पे ये भी कहना चाहती हूँ, मैं शारदा जी को कहती रहती हूँ मैं आपकी बहुत फैन हूँ, उनको पता नहीं शायद यकीन ही नहीं होता, मन से कहती रहती हूँ मुझे आपका वो गाना गाना है, मुझसे प्लीज मुझसे भाई आपका ये वाला गाना है, मुझे बहुत पसंद है, तो इतनी देखिए इतनी मैं भी आपकी फैन हूं, मैं आपके गाने इतना देखो 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 देखिए जरा अशोक जी देखिए कैसे हैं, बहुत बढ़िया गाया है, देखिए हम तो आप तीनों के फैन हैं और हम ही नहीं बल्कि जितने लोग, चलो तीन के अशोक जी देखो मान लिए, उन्होंने बात को देखो कितना घुमाया है, नहीं नहीं बात देखिए आप तीनों लोगों को कितना लोगों ने सुना है और यहाँ बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे हैं, बहुत सारे आपके गाने लोग लिख रहे हैं, मैं उस कुदरत की इतनी शुक्रगुजार हूँ
कि ऐसी महान हस्तियों से भले ही मुझे प्रसाद की तरह थोड़ा थोड़ा मिला है, इतना साथ तो नहीं जैसे शारदा जी हैं, उषा जी हैं, इतना तो नहीं, रफी साहब के साथ काफी गाने गाए, अब जैसे तलत साहब के साथ मुझे होनी थी रिकॉर्डिंग लेकिन वो समहाउ हो नहीं सकी, सलील दा के साथ भी जैसे रिहर्स करने वाले थे लेकिन वो हो नहीं पाया, तो ऐसी कई चीजें, लेकिन कईयों के साथ मिला और ये लोग इनके को भी पास से देख रही हूँ, इनके साथ काम किया है, तो इसकी मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से, ऊपर वाले की उस कुदरत की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मैं मुझे ये सब सुनने को मिल रहा है, क्योंकि ये चीजें हमें सुनने को भी नहीं मिलती हैं। अशोक जी क्या कहूँ आपसे, और मैं उनमें से हूँ कि अगर आज शारदा जी मुझे कहें मैं ये कंपोज कर रही हूँ बैठ के इसको एक महीना तुम्हें रिहर्स करना है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं डेली उसकी जो कहेंगी यहाँ गलत हो गया उसको ठीक करने, मैंने बताया है सबको कि दिलराज जी से मैं गवाने वाली हूँ कि ये कैसा मतलब माइंड ब्लोइंग गजल, तो आप लोग रेडी रहिए कान के तेज करके, थैंक यू सो मच माय एडवांस थैंक्स, जी 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 सब लोग वेट कर रहे हैं दिलराज जी, जी सर जी बिल्कुल अच्छा। उषा जी आपके साथ रफी साहब जब आप तो अक्सर रहती थी ना उनके साथ में जब रिकॉर्डिंग, जी हाँ बहुत इन शोज में तो बहुत जी, तो उस रिकॉर्डिंग के समय की कुछ बातें आपको याद है क्या कि कैसे वो कभी किसी गाने में उनको कुछ मुश्किल लगी हो या कभी किसी गाने के बारे में कुछ बात की उन्होंने, ऐसा कुछ हुआ है कभी क्या? नहीं उनको क्या मुश्किल होने वाला है, वो तो मतलब नहीं, कोई गाने एंड ऑफ द म्यूजिक उनको कोई कोई गाने में कोई मुश्किल होने वाला नहीं, नहीं जरा भी नहीं, वो तो क्या वो तो आसानी से हाँ जी हाँ बिल्कुल उनके लिए क्या मुश्किल पड़ने वाला है, अब वो बड़े मजे से गाते थे वो स्टेज पर, स्टेज पर जो गाने मैं गाती थी उनके साथ तो वो लता जी आशा जी के होते थे, हाँ तो वो जो अच्छा। जैसे जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, तो होता क्या था एक कि कभी कभी रफी साहब भूल भी जाते थे क्योंकि हजारों गाने रोज अलग अलग गाने गाते थे, नहीं वो इतना भूल जाते थे गाने के अंदर, इतना अपने आप को भूल जाते थे कि इस वजह से ना बस ही बिकेम वन इन द सॉन्ग, अंतरा भूल रहे थे, हाँ तो गाना था किसी किसी ने कहा था उनको कि साहब आप वो गाना गाइए ना प्लीज दिल जो ना कह सका, अच्छा वो लवली सॉन्ग मेरा फेवरेट गाना है वो अब साहब ने उनकी बात सुन ली और कहा ठीक है मैं गाता हूँ, लेकिन उसकी रिहर्सल नहीं की थी उन्होंने, तो हमारे जो साहब के जो म्यूजिशियंस थे वो उनमें और मुझ में नजर का बड़ा वो रहता था, यानी हम मैं देखती रहती थी उनकी तरफ और वो भी मेरी तरफ देखते रहते थे और बता देते थे कि कहाँ पे साहब गड़बड़ करने वाले हैं क्योंकि पहली बार गा रहे हैं, जी तो गाना शुरू किया उन्होंने दिल जो न कह सका वही राज दिल कहने की रात आई, इतना तो गा लिया, उसके बाद थोड़ा शक्ल जरा सी टेंस्ड हो गए कि अंतर कैसा है याद नहीं आ रहा था, तो काका जो था सैक्सोफोन पे हाँ काका ने मुझे इशारा कर दिया कि अगर मैं दो बार म्यूजिक रिपीट करूंगा तो समझ जाना साहब भूल गए, तो तुम आ जाना तुम वहां पे, तो मैंने भी इशारे में उनको उसको हाँ कर दिया, उसने बजाया कि कहने की रात आई ला 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 यहाँ उठाना था लेकिन वहां नहीं उठाया, मुझे इशारा मिल गया तुरंत मैं वहां चली गई और नगमा सकाई जाग उठा बदन में, तुरंत मेरी पीठ पे शाबाश शाबाश दे दी उन्होंने, क्योंकि बहुत याद साहब बहुत भूलते भी थे तो उनको हम लोग मतलब इवन म्यूजिशियंस भी ऑडियंस को पता नहीं चलने देते थे कुछ भी कि कुछ गलती होगी, एक बार और ऐसे हुआ साहब ने मुझसे पूछा हाँ ओ हसीना गुल्फों वाली आता है क्या, तो मैंने कहा साहब सुना नहीं है मैंने, तो फिर से काका से कहा उन्होंने कि जरा उषा को याद चला दे दो लाइन भी गाएगी तो बाकी गाना मैं संभाल लूंगा, ओके ओके ठीक है काका ने मुझे समझाया,
अब काका ठहरा म्यूजिशियन, मुझे नहीं पता था कि उसमें ट्रायंगल बजा हुआ है, वो गाने में तो ट्रायंगल बताती हूँ कहाँ बजा, वो मैं वो गा के, उसने मुझे गा के सिखाया था। अंजना ढूंढती हूँ, दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छुप गया है वो परवाना ढूंढती हूँ, एकदम जोर से हंस पड़े, बोले अरे क्या कर रही है, कहाँ चलाया, मैंने कहा अरे वो काका ने तो, काके ने तो मुझे ऐसे ही बताया टिंगिना की टिंगिना। अब मैंने सोचा कि आशा जी तो कुछ भी करती है, उनको जो बोलो वो शुरू। इस तरह से पूरे ऑडियंस के सामने मेरी मजाक बन गई, मुझे सब लोग टिंगिना की टिंगिना की चिल्ला रहे थे। ऐसी बहुत सी बातें होती रहती थी हमारे साथ। जी। गाना दिलवाया, उन्होंने दिलवाया था रिकॉर्डिंग में, दिलवाया था एक गाना ताराचंद बढ़ जाता है की फिल्म, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक। जब जब बाहर आए और फूल मुस्कुराए मुझे तुम याद आए, ये गाना रफी साहब की वजह से मिला था मुझे, वरना मेरे तो बहुत सारे गाने चले गए। और साहब की आपने कहा था ये गाना रिकॉर्डिंग होने के बाद, ये गाना थोड़ा सा और सुनाइए, बहुत अच्छा गाना, ये लोगों ने बहुत पसंद किया और फिल्में भी कई बार आया है अलग अलग। जी 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 नहीं बहुत सारे थोड़ा बहुत नाम निकल दिया आपका ना जी, क्या कह रहे हैं आप, सुनाई नहीं दिया शारदे जी, कुछ कह रही नहीं, क्या वो कह रही थी कि बारिश में गई थी एक गाना रिकॉर्डिंग किया आपका कल्याण जी भाई ने शायद, और उसको निकाल दिया। बहुत दुख हुआ था। दिल दे घर में कर बैठे दिल के दुश्मन से यारी, तुझको आँखों में भर के मर गई मैं तुझसे मर के, पत्थर के पूजा करके हारी मैं हारी। क्या बात है, ये तो है गाना सुना ही, ये तो बहुत नहीं गाया लेकिन मेरी आवाज निकाल दी गई, लेकिन मैंने इस गाने के लिए मैं जुलाई में, जुलाई महीने में इतने पानी में भर के मैं फिल्म सेंटर पहुंची थी पूरी तरह से भीग के, और मैंने ये गाना गाया था, सबने बहुत पसंद किया था और सब ये, लेकिन चलो हर एक का नसीब होता अलग अलग, मुझे इसका मलाल नहीं है फिर, क्योंकि मैं आज भी अच्छा ही गाती हूँ, प्रोग्राम तो होते ही रहते, लेकिन रफी साहब की डेथ के बाद डिप्रेस हो गई थी, बहुत बहुत डिप्रेस हो गई थी मैं, मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरा गॉडफादर मेरे अब्बा चले गए, अब मैं बेसहारा हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत साथ दिया और मैं आज तक जिंदा हूँ, वरना शायद लटक जाती कहीं। गाने बहुत गाए बहुत होता है ऐसे ही होता है, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं बिलीवेबल बहुत जी। ऐसे और भी आपके यादगार कुछ याद हो तो बताइए, कुछ और भी। हाँ हाँ बताइए। और एक गाना था साहब के साथ ही था वो गाना, तेरे सिवा ना किसी का मनूंगा, खूने जिगर से मैं लिख के ये दूंगा, ये वादा रहा साजना, ये वादा रहा साजना। ये भी गाना मैं प्रोफेसर प्यारेलाल के लिए गाया था। जी 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 ऐसे तो बहुत गाने थे जो नहीं रहे, कई बार तो ऐसा हो जाता है कि दोष नहीं देती हूँ, क्योंकि कई बार तो ऐसा हो जाता है कि हीरोइन लोग भी खुद कहती है कि भाई हमको कोई दूसरी आवाज चाहिए, ये नहीं चाहिए, ऐसे होता है, और सबके साथ हुआ मेरे साथ क्या चलता है। कभी-कभी अभी रिकॉर्डिंग तो होती है, जी जी नाम चलता है इतना नाम, लेकिन मुझे रफी साहब मिले ये मुझे मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है, बहुत बड़ी जी, बहुत बिल्कुल बहुत प्रोग्राम में जाती थी ना, इसके लिए ज्यादा मतलब उनसे मिलना जुलना हुआ था। हाँ 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 प्रोग्राम तो उनके परमानेंट आर्टिस्ट थी मैं, और इस वजह से भी ये बताऊं कि रविदा
शोज में जाती थी, इसलिए मेरे गाने भी बहुत गए यहाँ से, कट भी हुआ था क्योंकि साफ के लिए तो सब रुकते थे, मेरे लिए कौन रुकेगा ना, तो फिर किसी ना किसी से गवा लेते थे उस वजह से। और सुनील दत्त साहब के साथ भी मैं जाती थी, शंकर जी के साथ भी मैं जाती थी, देन शम्मी कपूर जी के साथ भी मैं करती थी प्रोग्राम, और मुकेश जी के साथ, कल्याण जी भाई, आडी बर्मन के साथ भी मैंने प्रोग्राम्स किए बहुत, पर सबके गाने मुझे नहीं मिले। ये बात है, कल्याण जी भाई ने मेरे 100 से भी ऊपर गाने गवाए, और सबसे ज्यादा गाने डुएट्स मेरे साथ आशा जी ने गाए, बहुत सारे गाने वो मुझे नैयर साहब के पास भी लेकर गई थी उन्होंने, नैयर साहब का एक गाना भी गाया था मैंने, चुराते हो नजरे अजी किस लिए के जिंदा है बस आप ही के लिए, चुराते हो नजरे अजी किस लिए, बहुत अच्छा गाना हो गया जी जी जी। अशोक जी काफी टाइम हो गया, बहुत अच्छा। और देखिए शारदा जी सुनाइए ना कुछ, दिलराज गाना, खुद तो इंतजार कर रहे हैं आपके कुछ सुनने का भी, मैं इंतजार कर रही हूँ दिलराज कौर शारदा जी जी, मुझसे शारदा जी ने कहा अरे मेरे पास तितली कहे मैं चली आकाश, तितली उड़ी उड़ जो चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास, तितली कहे मैं चली आकाश। वेरी गुड, फूल ने कहा तेरा जना है पिका, कौन है बहार जो करे तेरा इंतजार, बोली तितली दोनों पंख पसार, वहां पे मिलेगा मेरा राजकुमार, तितली उड़ी उड़ जो चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास, तितली कहे मैं चली आकाश। और शारदा जी वो भी गाइए ना प्लीज, देखो देखो मेरा दिल मचल गया जी इस गाने के साथ, जो फिल्म फेयर की बात है, फिल्म फेयर, हाँ फिल्म फेयर, देखिए बहारों फूल बरसाओ इंडिया के टॉप गाना है, यू नो इतने सालों में, और उसके इतनी बड़ी टक्कर कर रही है जी, और तितली उड़ी को भी उनके बराबर वोट्स मिले, पब्लिक अवार्ड्स मिल गया, तो फिर आप यू नो करण जी साहब बोले कि आपको स्पेशल अवार्ड अनाउंस किया, क्योंकि उन दिनों फिल्म फेयर में सिर्फ प्लेबैक सिंगर का अवार्ड था, मेल प्लेबैक सिंगर या फीमेल प्लेबैक सिंगर, ये की सिंगर का अवार्ड था, और इसमें आने की वजह से इस साल से हम दो सिंगर्स अवार्ड कर रहे हैं, मेल का अलग फीमेल का अलग, और स्पेशल फिल्म फेयर अवार्ड हुआ, और ऑडिशन में भी रफी साहब गाए, मैंने भी गाया, और हम लोग रिहर्सल किया और किया, रफी साहब ने बोला बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दिया मुझे, शायद उनके ब्लेसिंग्स के वजह से भी हमको अभी तक थोड़ा बहुत यू नो म्यूजिक में सब काम करने को मिल रहा है, सो बहुत अच्छा फंक्शन में मैंने भी किया जी। आज भी ये जो प्रोग्राम अशोक जी ने ये जो ऑर्गेनाइज किया, इसमें भी मैं बोलने से पहले रफी साहब से दुआएं मांग रही थी जी, प्लीज एक गाना, मैं जरूर जरूर सावन आया बादल आया, बादल आया, ये देखिए वो तो है, लेकिन मेरी मेरी पसंद जो है, मैं कोशिश कर रही हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, हुस्न जरा जाग तुझे इश्क जगाए, हुस्न जरा जाग तुझे इश्क जगाए, बदले मेरी तकदीर जो तू होश में आए, बदले मेरी तकदीर जो तू होश में आए, हुस्न जरा जाग तुझे इश्क जगाए, सावन आया बादल आए,
मेरे पिया नहीं आए, चल दूँ वहाँ जहाँ अब तो रहा नहीं जाए। क्या बात है। सावन आया बादल आए, मेरे पिया नहीं आए। शारदा जी आप क्या कह रहे थे अभी, कुछ बता रही थी? बस यही वही रवि साहब की यादें लेकर इजाजत मांग रहे हैं। उसके उठने को मन नहीं हो रहा है, वहीं रहो उन्हीं की याद में, इस तरह से यही माहौल में रहो। आज के दुनिया में मत आओ, उधर ही रहो उसी दुनिया में। हम अच्छा वक्त के साथ बदलना चाहिए, हम नहीं वक्त के साथ नहीं बदलेंगे, हम इसी दुनिया में वही दुनिया अच्छा लग रहा है। वही छोड़ कर दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। रफी साहब क्या अच्छा कहते हैं, अधूरी आस। वो जो आस का है सुर पे रुकना, उनका क्या बात है। एक गाने में ना एक एक वर्ड को इस तरह से बोल रहे थे कि जैसा वो कहीं उनके अंदर से कुछ पता नहीं कहाँ से उनकी आवाज आ रही है, यू नो कहाँ से। मैं तो ये गाना डेडिकेट करती हूँ साहब। आप बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी खुद से क्या बात, कभी खुद से कभी हालात से रोना आया, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया, कभी खुद पे हम तो समझे थे, हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको, हम तो समझे थे, हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको। क्या हुआ आज ये किस बात पे रोना आया, क्या हुआ आज ये किस बात पे रोना आया, कभी खुद पे आज किस बात पे रोना आया, आज फिर रोना आया हमको। क्या बात है जी, लगता था कि हम भूल गए लेकिन हम नहीं भूल सकते साहब को कभी भी, कभी नहीं भूल सकते। और शारदा जी वो गाना मेरे बाप रे इतना डिफिकल्ट सॉन्ग था वो, तो अभी तो गला भी मेरा ठीक नहीं है इतना से। गुनगुना दीजिए कौन सा कह रहे चले जाना बोल रहे हैं। अरे चले जाना जरा ठहरो, किसी का दम निकलता है ये मंजर देख कर जाना, चले जाना जरा ठहरो, किसी का दम निकलता है ये मंजर देख कर जाना, चले जाना। कसम खाती हूँ मैं अपनी,
तुम्हें अब ना सताऊंगी, कसम खाती हूँ मैं अपनी तुम्हें अब ना सताऊंगी, तुम्हारी बात जो भी हो वही मैं मान जाऊंगी, मेरी आंखें रुकी सांसें किसी का दम करता है, ये मंजर देख कर चले जाना। चादर जी देखा क्या गाना है, लवली सॉन्ग, ब्यूटीफुल सॉन्ग, यू नो दिस इज ओनली वन सॉन्ग इन लाइक दिस कंपोजिशन, आई डोंट नो हाउ आई सैंग, इट्स ऑल वो शंकर जी का मैजिक करना पड़ता है, यू नो वॉइस का ये पतला नवा करके तब जाकर वो करके ले आना पड़ता है, सेम टोन दर्शक है जी, सेम टोन के अंदर हम हरकत नहीं ले सकते हैं, जब व्हेन द हरकत कम्स यू हैव टू मेक योर वॉइस थिन, यू नो तो उसको तभी जाकर वो अच्छा सा घूमता है, यू नो ऐसा उसको हरकत करके ये करना पड़ता है हल्का करके, तब जाकर वो उसका सही नो प्रेजेंटेशन होती है, वो सब अलग अलग प्रैक्टिस करना पड़ता है, मैं स्टूडेंट्स को बताती हूँ सब टेक्निक, क्योंकि उस जमाने में हम लोग जो सीखते थे कि जो गुरुजी गाते थे कि वी आर नॉट एबल टू सिंग लाइक दैट, हाउ 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 ट्राई 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 प्रैक्टिस करो करके आता था, लेकिन अभी तो बराबर उसका टेक्निक क्या है, कैसा करना है, कैसा सांस लेना चाहिए, कैसा उसको एप्लीकेशन देना चाहिए, तब जाकर वो बराबर आ जाता है, सो दिस आर ऑल वॉइस और उसके बाद पावर कंट्रोल होता है और उसके बाद एप्लीकेशन होती है कैसा वॉइस को देना चाहिए, यू नो हर गाने में हरकत कहाँ कैसा लेना चाहिए, वो सब मैं वर्कआउट कर रही हूँ, प्रोग्राम कर रही हूँ, इट इज अ बिग प्रोग्राम यू नो वॉइस कल्चर का, I am doing it. All many students are wanting to take it and I am giving it to them. जो शंकर जी की जी जी इसको और सब म्यूजिक जो है माइक के थ्रू ही हो रहा है सब जी, या दिस आर ऑल विद टेक्निक, यू नो हाउ द टेक्निक एंड टिप्स यू सी, यू नो वेरी ट्रू वेरी ट्रू, कैसा लेने का है, यू नो अदरवाइज करते जाओ कभी कभी आता है कभी नहीं भी आता है, तो इस वजह से ऐसा हो जाता है, तो दैट इज व्हाट आई एम वर्किंग इट, यू नो तो ये जो है हमारे दर्शक जान ले कि शारदा जी अभी भी देखे सकती है और अभी सिखा रही है, ट्रेनिंग दे रही है और गाने की बारीकियां हैं वो लोगों को सिखा रही हैं, खासतौर से बच्चों के साथ वो काफी काम, बच्चों के लिए मैं अभी कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों का हम लोग बच्चों को बचपन से नहीं सिखाते हैं, क्योंकि हमें अभी तक जो बचपन में सीखा वो भी याद है, बचपन में जो नहीं देंगे ना वो कभी उनको जिंदगी में नहीं आएगा, तो इसके लिए हम चिल्ड्रेन बचपन में कैसा उनको संगीत सीखना चाहिए, बच्चों के लिए अच्छे अच्छे गाने कैसे बनाकर देना चाहिए वो मैं वर्कआउट कर रही हूँ, आई एम गोइंग टू कीप चिल्ड्रंस म्यूजिकल वर्कशॉप पर बच्चों के लिए, वो बचपन में जो सिखाते हैं वही वो जिंदगी भर याद रहती है काम आता है, तो बचपन में हम वी मस्ट नॉट मिस देयर चाइल्डहुड, उनको बचपन में देना जरूरी है जी। रफीका की एक और भी चीज याद आ रही है जो उनको उषा जी को भी मालूम होगी कि रफी साहब खेल सहगल साहब के बहुत बड़े फैन थे, अच्छा, और रफी साहब को ये रहता था कि चाहे मुझे एक लाइन उनके साथ कहीं मिल जाए, तो रफी साहब ने सहगल साहब का गाना था उसमें कोरस में भी रफी साहब ने एक लाइन गाने के लिए वो वहां खड़े थे, जनरली कहने का मतलब ये है कि उनके अंदर जो ह्यूमिलिटी है इट इज देयर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग when he sang that one line, or later on innumerable songs and all hit, all well sung. कहीं ये नहीं है कि कहीं आदमी बैठ के ये कह ले कि यहाँ कमी रह गई है, ये कोई सुर ऐसा है या वैसा, हर गाना फ्लॉलेस अंदर से निकल रहा, कुदरत काम करी, और वो उन्होंने कभी माना ही नहीं कि मैं गा रहा हूँ, वो कभी नहीं कहते थे कि मैंने गाया, और ये चीज उनकी बरकरार थी हमेशा,
कि उनको लगता था कि वो मालिक मुझसे करवा रहे हैं। और मुझे उनकी ये दो बातें तो मैं खैर कभी भी नहीं भूलूंगी रफी साहब की, कि जो उन्होंने उस वक्त जो मैंने आपसे जिक्र किया कि जो उन्होंने कहा कि मैं देखो देखो मेरी आवाज में कितना नूर दिया है ऊपर वाले ने, और मुझे भी उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें शुरू से, क्योंकि काफी गाने उनके साथ हमने राम बलराम राजपूत ये सब काफी बड़ी बड़ी फिल्में थी जिसमें लक्ष्मी जी का म्यूजिक था, और उनमें गाने गाने का मौका मिला। और जो बता रही हूँ कभी कभी एकदम ब्लैंक वो भूल जाते थे, तो मैं उनको एकदम कॉर्नर में ले जाके कहती थी रफी साहब को, अंकल अंकल यहाँ ये लाइन है ऐसे है, तो फिर कहते थे अच्छा अच्छा, इतनी स्वीटली बोलते थे अच्छा अच्छा, तो फिर वो उसको वो वैसे करेक्ट कर लेते थे। तो वो उनके अंदर उन्होंने कहा मैं तुमको शुरू से देख रहा हूँ, ऐसे ही रहना, अल्लाह तुम्हें एक दिन जरूर नवाजेंगे। रफी साहब की ये बात जी, ये ऐसी दुआ उनकी उनके उनसे ये निकले, मतलब इससे बड़ा मुझे उनसे क्या मिलेगा, ऐसी चीज वो कह के गए बिल्कुल। और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी म्यूजिक डायरेक्टर्स का, ऐसे को सिंगर्स का। और आज भी देखिए आप, आपने अशोक जी बहुत ही अच्छा किया जो शारदा जी को भी लाए, आप उषा जी को लाए, कम से कम मुझे तो उन्हें अपने पास देखने का। शारदा जी से तो मैंने खैर जैसे जिक्र किया कि मैंने गाया भी है, लेकिन उषा जी को आज मैं इतनी बातें मुझे सुनने का मौका मिला, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। उषा जी बहुत थैंक यू, सुनने वालों को भी नमस्कार, सुनने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद जी। अशोक जी भी इजाजत दीजिएगा। हाँ बस बस हम ये बताना चाह रहे थे कि उषा जी जो है वो बहुत भावुक हुई है जी, और बहुत भावुक जी भी आज सुबह से उषा जी थोड़ा सा आज रफी साहब की याद में हैं और अब आ गई हैं। हमने कहा कि उषा जी आज सुबह से ही रफी साहब की याद में बहुत भावुक रही हैं, बहुत ज्यादा बहुत भावुक जी। हम हाँ बहुत ज्यादा, एक बच्चे की तरह अगर कोई हो तो उसको अपने अब्बा अपने पिता की याद जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो बच्चे हमेशा याद करते हैं अपने माँ-बाप, कभी कभी तो मेरे साथ पर्सनली ऐसे हो जाता है कि उनकी आवाज तो हमें बहुत अच्छी लगती है, पर जैसे कहते हैं ना इसको हम जज्ब नहीं कर सकते, तो मैं ना जैसे ऑन ही नहीं करती कि आवाज सुनूंगी तो बौखला जाऊंगी, ऐसा हो जाता है कभी कभी। वो यानी जैसे कि वो जी बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं आपको सुन के, उनको अपना मजा आता है क्योंकि वो लोग भी रफी साहब कुछ ऐसी उम्र के लोग रफी साहब की याद में हम हाँ रफी साहब लेते हैं कभी उनको मिला तो बहुत लोग शुक्रगुजार हैं और हम भी बहुत ज्यादा आभार। और आने वाले कई बार मैं सोचती हूँ कि मैं कोई जब सिंगर्स बहुत गा रहे होते हैं या उनके गानों को भी गा रहे हैं, बड़ी बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमें अपना ये जो ट्रेडिशन है इसको कायम रखना है। लेकिन आप ये देखिए कभी कभी मैं कह भी बैठती हूँ कि तुमने अगर रफी साहब को नहीं देखा, गाना तो बाद में है, अगर देखा भी नहीं तो बहुत कुछ जिंदगी में जैसे मिस हो गया, पॉसिबल भी नहीं होता है क्योंकि आप लोगों ने देखा हमेशा जी जी, सुना है बहुत ही प्यार से बोलते थे, बहुत धीमे बोलते थे, बहुत बहुत प्यार से मिलता था, शायद तेज आवाज तो किसी ने सुनी ही नहीं होगी। नहीं जी जी बिल्कुल सही कहा आपने, सही कहा। और हमेशा स्माइलिंग, चेहरा उनका मुस्कुराता ही रहता था, मुस्कुराता रहता था, बिल्कुल सही। आज है एक वाकया सुना देती हूँ, एक छोटा सा वाकया है, सुनाइए। हम लोग दार्जिलिंग गए थे प्रोग्राम के लिए, तो साहब नेचर लविंग थे बहुत, उनको किसी के घर डिनर पे जाना या ऐसे इस तरह से उनको नहीं पसंद था कुछ भी, भीड़ में नहीं जाना चाहते थे क्योंकि भीड़ तो वैसे भी उनके आसपास बहुत होती थी, लेकिन वो खुद मतलब ऐसी शांत जगह जाना पसंद करते थे। तो एक दिन पहले हम लोग चले गए थे वहाँ दार्जिलिंग, तो वहाँ के बाजी भी साथ में थी, मैं थी और हमारे ऑर्गेनाइजर्स भी थे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ के साहब यहाँ का सनसेट बहुत अच्छा है, तो इस जगह पे हम आपको लेकर चलते हैं। हम लोग वहाँ गए, बहुत प्यारी जगह थी, पहाड़ियाँ बड़ी बड़ी और वादी बड़ी खूबसूरत वादियाँ सब थी, बहुत अच्छा लग रहा था जाके। तो साहब ने मुझे धीरे से कहा कि उषा पता मैंने मदन जी का एक गाना गाया है अभी 2-3 दिन पहले। मैंने कहा अच्छा, बोले ऐसी जगह पे पिक्चराइज होगा वो जरूर, मतलब मेरा अंदाजा है कि ऐसी ही जगह पे वो पिक्चराइज होगा। तो मैंने कहा अच्छा साहब सुनाइए ना प्लीज, कौन सा गाना था। बोले पूरा तो याद नहीं है, थोड़ा सा याद है मुझे। मैंने कहा ठीक है आप सुनाइए।
उन्होंने सुनाया गाना एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया ला 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 ला। एक हंसी शाम को दिल वेरी नाइस सॉन्ग खो गया पहले अपना हुआ करता था अब किसी का हो गया एक हंसी शाम को। वो शाम जो बताया उन्होंने वो पूरा होराइजन दिखा दिया वो एक शाम बोलने yes. में हाँ. पहले मुद्दतों से आरज़ू थी जिंदगी में कोई कोई आई सुनी सुनी जिंदगी में कोई शमा दिल में ना दिल लाई उनको देखा तो रोशन सुहाना हो गया हो गया नहीं नहीं आप मुझे भी याद आ रहा है बहुत पसंद था। नहीं नहीं एक बात बताऊँ ना नहीं नहीं यहाँ दरअसल ऐसा होता है रफी साहब के जो गाने कोई सुनता है ना तो साथ में गुनगुनाने लगते हैं और हमें लगता है जो सुन रहे हैं माफ कीजिएगा अपने आप को रोक नहीं पाई वो भी कहा साथ में लेकिन चलिए अब आप बताए मैं सुनता हूँ बिल्कुल सच बात है बिल्कुल सही बात है लोग अपने को रोक नहीं पाते मैं वही वही दिलाल जी को देख रहा था वो रोक नहीं पा रहे कितना अच्छा लगा हम रोक के रखेंगे जा रही हूँ अशोक जी सब लोगों से जी जी शारदा जी आपने इतना समय दिया इसके लिए शारदा जी ने मुझे कहा मैं उनको एक लाइन सुना देती हूँ इशारों इशारों में दिल देने वाले बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से निगाह हो जादू चलाना मेरी जान सिखाए तुमने जहाँ से ओ मोहब्बत जो करते हैं वो मोहब्बत जताते नहीं अपने दिल की कभी किसी को सुनाते नहीं किसी को सुनाते नहीं मजा क्या रहा जब कर दिया हो मोहब्बत का इजहार अपनी जुबान पे निगाहों में जादू चलाना मेरे जान सिखाए तुमने जहाँ से बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से मेरे जान सिखाए तुमने जहाँ से आपकी खासियत ये थी कि सस्टेन नोट बहुत उनका रहता था मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया एंड तक उनका रहता था बताते भी सिखाते थे बराबर कि गाओ तो एक सुर के अंदर घुस जाओ बिल्कुल दिल
अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार मन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, ये दिल जरा संभल तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जीत लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं। लोगों को शारदा जी के साथ अभी हम प्रोग्राम करेंगे, अकेले होंगी वो हमारे साथ और बहुत सारी बातें हम उनसे करेंगे, बच्चों के बारे में जो कर रही हैं उसके बारे उसकी बात भी करेंगे और भी बहुत सारी बात। जी जरूर। और शारदा जी के साथ ही नहीं बल्कि उषा जी और दिलराज जी के साथ भी हम लोग अलग अलग भी कुछ कार्यक्रम अभी प्लानिंग कर रहे हैं किस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए और वो अलग अलग रहेगा और हमें लगता है लोगों को बहुत पसंद आएगा। नमस्ते जी, चलिए जी, ओके जी, नमस्कार। और नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और आप कभी सच में इतना अच्छा लगा कि आप लोग इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं और एक के बाद एक, बस लोगों को ये लग रहा है जैसे कि जो लोग रफी साहब के साथ रहे हम उनको देख रहे हैं, आज उनके साथ मिल रहे हैं और आप लोगों ने वो बातें बताई हैं जो बातें न किताबों में हैं और लोग तो वही जैसे बात हुई थी ना कि मनगढ़ंत बातें लोग बना देते हैं, लेकिन आप लोग तो उनके साथ रहे हैं, एक एक बात आपने देखी है, सुनी, इसीलिए सब मनगढ़ंत बातें पतला पता है मुझे जी, 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 जी। कौन कौन बंडल ठोक रहा है मुझे पता है बहुत क्योंकि मुझे तो सब उनका पता ही है ना जी बिल्कुल 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 क्या तो आखिरी समय तक साथ करेंगे। तो फिर अशोक जी मैं भी इजाजत चाहूंगी आपसे, निशा जी आपसे इजाजत है, बहुत बहुत प्यारी लग रही है। बिल्कुल लोग डूब गए इस कार्यक्रम में, अपने को भूल करके इस प्रोग्राम में लगे रहे और बहुत समय अभी आप देखेंगे तब पता चलेगा कितने समय हम लोग एक दूसरे के साथ, मुझे तो नहीं पता चलता कितने लोगों ने देखा, मुझे really नहीं पता कुछ। वेरी वेरी ग्रेटफुल अशोक जी की और अभी सभी श्रोताओं की, सब सुनने वाले देखने वालों की और उषा जी की, नमस्कार। थैंक यू सो मच, श्रोताओं को मेरा नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार रवि साहब को आज हमने याद किया, रवि साहब की 40वीं पुण्यतिथि है और आज देश भर में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे है जो रवि साहब गाते हैं, उनकी आवाज को अपने अंदर तराशते हैं और कहीं तलाश करते हैं कि उनके अंदर भी कहीं कोई रफी, मोहम्मद रफी छुपा हुआ है। आज हम एक बार फिर अपने सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि आप सब हमारे साथ रहे और इसी तरह के और भी कार्यक्रम हम आपके लिए लेके लेकर आते रहेंगे। पॉजिटिव न्यूज नेटवर्क के साथ आप हैं, आप इस पेज को लाइक करें, इस ग्रुप को ज्वाइन करें, हमारे साथ रहें जिससे आपको आगे के कार्यक्रमों की जानकारी भी मिलती रहे। नमस्कार।